أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ वरमत अल्लाबरकूल कैसे हैं आप लोग सब कैसा जा रहा है आपका रमदान अल्हमदुल्ला कैसा जा रहा है आप, आप लोगों का रमदान ईमान बढ़ा अल्लाह का कुट बढ़ा

रबी जदिनी फिन आमी जी स्टार्ट करते हैं तैयार है आपकी नोटबुक्स तैयार है मुसफ़ तैयार है दो नफल पढ़ लिया दो नफल जरूर पढ़ लिया करें सदका कर लिया करें और अपनी इंटेंशंस को चेक करना है अल्लाह सुबह हमें बसीरत तताफर फरमाए और एक नई नजर अता फरमाए एक नई विजन के साथ आपने इस जुज्स को पढ़ना है जिससे हमारी सोच बदलेगी, और फिर ये कौन सा रोजा होता है खासो खास जिसमें हम अपनी सोच को भी कंट्रोल करते हैं तो आज हमने अपनी सोच पे काम करना है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो इस जुज का जो कीवर्ड है वो है तोहीद अल्लाह की वाहदानियत का इकरार और इसका ऑपोजिट है शिरक जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक कम होता है अकीदा तोहिद वीक होता है तो इंसान के अंदर वफलत और तकबर पैदा होने लगता है जो आप इस जुज में पढ़ेंगे आज हम दो सूरज कवर करेंगे अंबिया और सूरतुल हज इसमें आप पढ़ेंगे गफलत और अलहज में आप पढ़ेंगे तकबर शुरूल का कीवर्ड है मकसद हयात अम्बिया का जो रूट वर्ड है वो है नू बा और नू बा हमजा जिसका मतलब होता है एक अहम खबर या फिर इसका मतलब है एक ऊंचाई प्रोट्यूजन को कहते हैं हाइट को कहते हैं ऊंचाई हायर प्लेटफॉर्म तो जब इंसान अपना मकसद हयात पा लेता है अपने आप को पहचानता है अल्लाह के आगे झुकता है बंदगी का इकरार करता है इबादत करता है जिसके लिए हम पैदा किए गए हैं तो वो एक आला मकाम हासिल करता है वो आला मकाम कैसे हासिल होगा वो आप uh, हज में पढ़ेंगे अल्लाह की पुकार क्या है अल्लाह की पुकार है जिससे इंसान में आजजी पैदा होती है ये आजजी क्या है ये आप पढ़ेंगे वो आजजी आएगी कहाँ से और ऐसे लोगों को कहते हैं जो अल्लाह के आगे झुकने वाले होते हैं मुखबतीन। ये मुखबतीन कौन होते हैं जो आजमाए जाते हैं और आजमाइश में वो सब्र शुक्र करने वाले होते हैं उनके अंदर हिकमत होती है जो आपने कल सिस्टम से पढ़ा कि क्या है हमत कहाँ से आएगी जब इंसान को आजमाया जाता है इसमें आप अम्बिया सलाम की सिफ़ात पढ़ेंगे फरिश्तों की सफ़ात पढ़ेंगे और जब यह सिफात इंसान अपनाता है तो वो मुखबतिन में शामिल हो जाता है अलह ठीक है इसका कीवर्ड मकसद हयात है कि हमारा वॉट इज दर्पज ऑफ माई लाइफ हमने अपने आप से सवाल करना है अगर हम इस मकसद से दूर होते हैं तो हम गाफ़िलों में शामिल हो जाते हैं फिर इंसान वक्त ज़ाया करने लगता है इस जो उसका जो फोकस है वो <coughs> ये तीन एलिमेंट्स पे आपने फोकस करना है तोहिद रसालत और ईमान अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन मसूद रद्ह अनहू कहते हैं कि ये जो आप लोगों ने कल भी पढ़ी सुर मरियम और तहा और ये सुरह अम्बिया ये तीन सूरते जो हैं दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड ट्रेजर और इन इसको उन्होंने कहा कि ये खजाना है मेरे लिए इनको उन्होंने हिफ्स किया इतनी अहमियत है तो आइए आज इस ख़जाने को हम टटोलते तो हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छुपा है ठीक है जो सवन अलमदिल्ला आप लोगों का शुरू हो रहा है अल्लाह मुबारक इसमें आप पढ़ेंगे कि गफलत क्या है गफलत कैसे आती है कहीं हम तो नहीं है गाफिल इसकी अलामत क्या होती हैं ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है और असल जिंदगी है क्या और फिर रब की पहचान का सफर क्या है वो हमने तय करना है इस दौरे कुरान में आप ये सफर तय कर रहे हैं अपने रब को पहचान रहे हैं उसके करीब आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी फितर में है रब की पहचान हमारी फितरा में गाड़ दी गई है और ये हमारी जरूरत है और जैसे जैसे हम रब को पहचानते जाते हैं हमें एक नूर नसीब होता है और वो है बसीरत एक नई विजन मिलती है ठीक चलेगी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मिनट मुझे प्लीज एक सेकंड दें بسم اللہ अस्सलाम वालेकुम व वा बरकातहू نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الخلاق العليم الغفور الرحيم असमीर अल हलीम नहमदा हदाना वताना व नश्कर हू अला औताना व औौलाना तमाम किस्म की हमद अल्लाह के लिए है जो पैदा करने वाला इल्म वाला बहुत बख्शने वाला नहाय रहम फरमाने वाला खूब सुनने वाला देखने वाला बेनियाज और गुरदवार है हम उसकी हम करते हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दी और हमें मुंतखब किया और हम उसके उन अतियात पर उसका शुक्र अदा करते हैं जो उसने हमें अता किए सतरवा पारा बिस्मिल اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो इंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है एक फी नाफी गफलत लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब है, और वो है की गफलत में मुँह मोड़े हुए हैं लोगों से मुराद तमाम लोग हैं क्यूँकी तमाम लोग या कदम ब कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर दुनिया के खात्मे की तरफ क्यूँकि इंसान की मौत बजाते खुद उसके लिए एक क्यामत है और जितना जमाना इस दुनिया का गुजर चुका है उसके मुकाबले में बाकी रह जाने वाला जमाना उससे कम है लेकिन इंसान का हाल यह है की हिसाब की घड़ी करीब से करीब तर होने के बावजूद भी दुनिया में ज्यादा मशगूल है दुनिया की जीनतों में गुम है ईमान के तकाजों से बेखबर है और हिसाब से मुराद यहाँ आखिरत का हिसाब है और लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे हम सब अपने हालात का जायजा लें कि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के कामों में गुजार देते हैं आखिरत की फिक्र किए बगैर या फिर आखिरत को सामने रख कर अपने काम करते हैं चाहे दीन के हों या दुनिया के हों क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं तो हम हर दिन मौत से करीब हो रहे हैं हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मौत के बाद जल्द ही सबसे पहले तो कब्र में हिसाब होना है और उसके बाद क़यामत के, के दिन भी सवाल जवाब होंगे तो अला सुबह तआला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह महासिबनी हिसाब य नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया न मैं दुनिया से हूँ और न दुनिया मुझसे है बेशक मुझे और क्यामत को इस तरह भेजा गया है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। एक और रिवायत में आपने फरमाया मुझे और क्यामत को इस उंगली और इस उंगली की तरह भेजा गया है और फिर आपने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिला दिया यानी साथ के साथ है माया बिक्रम उनके पास उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत आती है वो उसे इस हाल में सुनते हैं कि वो खेल रहे होते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदी खैर खाही और फिक्रमंदी के जज्बात के साथ उनके सामने कुरान करीम की आयात पढ़ते थे लेकिन वो उसको तोज्जो से नहीं सुनते थे आप सल्लाम उन्हें जिंदगी के मकासद ऐसी बहरावर करते आने वाली जिंदगी के मुहासमे के बारे में फिक्रमंद करते लेकिन वो इन बातों का असर कबूल करने के बजाय इन्हें मजाक में उड़ा देते और अपनी लाई और कम इलमी का, का एहसास करने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादान करार देते मजरून करार देते और आज भी लोगों की अक्सरियत का हाल यही है कि अगर उनके सामने कोई संजीदा बात की जाए आखिरत की बात की जाए तो वो उसको सुनना नहीं चाहते हंसी में टाल देते हैं लाहियत क्लूब हम उनके दिल गाफिल है और जिन लोगों ने जुल्म किया वो चुपके चुपके सरगोशियाँ करते हैं की ये पैगम्बर तुम जैसा ही एक इंसान है क्या फिर तुम जादू के फेर में आते हो जबकि तुम देख रहे हो लाहिया का जो है ये लहज से है वो चीज़ जो इंसान को उसके जरूरी और अहम कामों ऐसी किसी और काम में मशगूल कर दे यानी अहम को छोड़कर गैरअहम की तरफ चल पड़े जरूरी को छोड़कर गैर जरूरी की तरफ चल पड़े आज भी आप देखें के हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत है कि हम आखिरत की फिक्र करें लेकिन बहुत से लोग आखिरत की फिक्र को छोड़कर सिर्फ दुनिया के तलब में मशगूल हैं। और आजकल के जितने भी ूम हैं, यूनिवर्सिटीज की जितनी भी डिग्रीज हैं चाहे वो साइंस से मुतलिक हों या आर्ट से मुतलिक हों उनमें से कोई भी चीज़ आखिरत की याद दिलाने वाली नहीं हमारे बच्चे स्कूल में एक बड़ा वक्त गुजारते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में इस दिन का एक बड़ा हिस्सा गुजारते हैं लेकिन वहाँ सारा सारा दिन एक बात भी ऐसी नहीं होती जो उन्हें आखिरत की फिक्र दिलाए सारी की सारी सिर्फ दुनिया ओरियंटेड होती है और इंसान को मौत से और आखिरत से गाफिल कर देने वाली चीजें इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया के काम का छोड़ दें लेकिन बंदा मोमिन दुनिया के काम में भी हाथ डालता है तो अपनी आखिरत को सामने रखकर और उसकी फिक्र करते हुए

यानी तीन बातें यहाँ पर कही गई हैं पहले ये कि ईमान लाने की शर्त के तौर पर तुमने पहले रसूलों जैसा मोइजा लाने का मुतालबा किया लेकिन पहले रसूलों को जब मोजात दिए गए तो क्या कॉमो ने माना वो नहीं माने तो क्या तुम मानोगे दूसरा ये कि जो कौमे मोजात देकर ईमान नहीं लाई उन्हें हलाक कर दिया गया तो क्या तुम ऐसा मुतालबा कर रहे हो की जिसके नतीजे में तुम्हारी हलाकत हो और तीसरा ये की मोजा न दिखाना दरअसल तुम पर अल्लाह की रहमत है की उसने तुम्हें मोहलत दे रखी है और उसके इल्म है कि तुम नहीं तो तुम्हारी औलादों में से कोई मुसलमान होगा वमा सलना कबलाम और हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था जिनकी तरफ हम वही किया करते थे बस इल्मो से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते अहल जिक्र ऐसी मुराद पहले किताब है जो सबका आसमानी किताबों का इलम रखते थे उनसे पूछ लो की पिछले अम्बिया जो हो गुजरे है वो इंसान थे या गैर इंसान वो तुम्हे यही बताएंगे की तमाम अम्बिया इंसान ही थे बशर ही थे और हमने उन्हें ऐसे जिस्म वाला नहीं बनाया कि वो खाना न खाते हों और न ही वो हमेशा रहने वाले थे फिर हमने उनसे तमाम वादे सच्चे कर दिए तो हमने उन्हें और जिन जिन को हमने चाहा बचा लिया और हद से बढ़ने वालों को हमने हलाक कर दिया लक़द जलना विक्रुक अफलाता यकीन हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमे तुम्हारा ही जिक्र है क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते यानी यह कुरान तुम से मुताक है कोई ऐसा कलाम नहीं कि जिसकी बात समझ में ना आए या ऐसी बात नहीं कि जिससे तुम्हारा वास्ता ना हो या तुम्हारा ताल्लुक ना हो ये तो ऐसी किताब है कि जिसमें तुम्हारे हालात का जिक्र है और उनके मुताबिक तुम्हें रहनुमाई दी गई है दूसरा माना जिक्र का इज्जत और शरफ भी है यानी ये किताब तुम्हारे सामने पेश की जा रही है कि अगर तुम इस पर ईमान लाओ तो ये तुम्हें सारी दुनिया में इज़्ज़त और शरफ़ अता करेगी जैसे एक और जगह पर आता वह इन नहूलिक्रकौ अली कौ में बेशक ये कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए इज़्ज़त और शरफ का बायस है जिक्र बमाना नसीहत भी है यानी इस कुरान में तुम्हारे ही लिए नसीहत है यानी हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारी नसीहत का सामान है और ये तीनों माने भी हो सकते हैं क्योंकि क्यों कुरान के अल्फाज में बहुत वस्सत है अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं अरबी जबान को इस मकसद के लिए चुना और ये हकीकत है कि जो शख्स कुरान पढ़ता है और कुरान का माहिर होता है उसको अल्लाह बहुत बड़ा शरफ अदा करते हैं नबी सल्लाम ने फरमाया जो आदमी कुरान में माहिर हो वो उन फरिश्तों के साथ होगा जो लिखने वाले मोज़ज और बुजुर्गी वाले है तो कुरान इज्जत भी अदा करता है पढ़ने वाले के लिए कुरान सिफारशी भी होगा कुरान वाले अल्लाह ताला के खास बंदे हैं अहल और वुरान पढ़ने वालों का मकाम जन्नत में होगा तो इसलिए कुरान को मामूली किताब नहीं समझना चाहिए यानी इससे मुंह मोड़ कर किधर जा रहे हो इसको क्यों नहीं सीखना चाहते इसको क्यों नहीं पढ़ना चाहते इसमें तो तुम्हारे ही फायदे की बातें हैं और कितनी ही बस्तियाँ जो जालिम थी हमने उन्हें तोड़ कर रख दिया और उनके बाद हमने दूसरी कॉमो को उठाया जिन्होंने फिर नहीं माना उनका ये अंजाम हुआ तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया तो अचानक वो वहाँ से भागने लगे भागो मत और उसी की तरफ लौट जाओ जिसमें तुम तो ऐशो इशरत दिए गए थे और अपने घरों की तरफ ताकि तुमसे सवाल किया जाए यानी ये उन्हें फरिश्ते कहते हैं जब उन पर अजाब लाते हैं कालू या वना इन्ना कुन्ना जालिमीन कहने लगे हाय अफसोस हम पर बेशक हम ही जालिम थे यानी अजाब देखने के बाद तोबा करने से भी फायदा नहीं होता और उस वक्त बॉबेला मचाने से भी और उस वक्त अपनी गलतियों को मानने से भी कि इन्ना कुन्ना जालिमीन। अगर अपनी जिंदगी में वो एक बार भी ये कह लेते कि हम मानते हैं जो पैगम्बर लाए हैं और हम गुनागार हैं हम कसूर पार है तो उनके गुनाह माफ कर दिए जाते फिर मुसलसल उनकी यही पुकार जारी रही यहाँ तक कि हमने उन्हें एक कटी हुई खेती एक बुझी हुई आग बनाकर रख दिया जैसे राख होती है जिसके अंदर कोई चीज सॉलिड नहीं होती यानी उनका फिर नामो निशान ही मिट गया और हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है खेलते हुए नहीं बनाया अगर हम कोई खेल बनाने का इरादा करते तो उसे अपने पास से ही बना लेते अगर हम करने वाले होते बल्कि हम बातिल पर हक की चोट लगाते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है यूं वो यकायक जायल हो जाता है और तुम्हारे लिए हलाकत है उन बातों से जो तुम बयान करते हो यानी कायनात की तखलीक के मकासद में से एक अहम मकसद ये है की यहाँ पर हक को बातिल की एक मार का आरई हो और खैर और शर के दरमियान जो तसादुम है उसमें अल्लाह ताला खैर को कामयाबी दे और शर को मगलूब करे और हक को बातिल पर या सच को झूठ पर या खैर को शर पर मार कर उसको खत्म कर दे अर्द और आसमानो जमीन में जो भी है वो उसी का है सब चीजों का मालिक अल्लाह है अब आप क्या कीजिए अपनी कोई भी चीज देखे और ये सोचे की ये मेरी नहीं ये तो अल्लाह की है अपनी औलाद को देखे ये तो अल्लाह का माल है अपनी बिलोंगिंग्स को देखे अपने हाथ पाओ को देखे शीशे में अपनी शक्ल देखे तो अल्लाह का है इन्ना ही व इन्ना अल हम सब उसी के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले अब देखिए कि जब आपकी ये सोच होगी ना कि ये सब कुछ मेरा नहीं है ये तो अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह ही असल मालिक है इनका तो फिर आपकी दुनिया की चीजों के साथ वो अटैचमेंट नहीं रहेगी फिर इन चीजों को अल्लाह के रास्ते में देना जरूरतमंदों पर खर्च करना आसान हो जाएगा फिर आखिरत की तैयारी ज्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि जब है ही नहीं और अपना ही नहीं मालिक कोई और है हम तो वक्ती तौर पर इससे फायदा उठा रहे हैं और फिर एक दिन इन सब चीजों को छोड़ के चले जाना है तो क्यों ना जिस वक्त के लिए उसने हमें एक आरजी टेम्परि मालिक बनाया है तो हम इसे उसी की मर्जी के मुताबिक खर्च करके उसकी रजा पा लें उसको राजी कर लें और इसको अपनी आखिरत का सरमाया बना लें क्योंकि जब चीजों को हम कहते हैं ना ये मेरा ये मेरा ये मेरा फिर हमारे अंदर एक लालच पैदा हो जाती ये मेरी चीज है मैं किसी को क्यों दू मेरा तो कुछ भी नहीं मेरा तो अपना आप भी मेरा नहीं तो अपने आप को भी अल्लाह के राह में लगा दे अपने औकात को भी लगा दे अपनी सलाहियतों को भी लगा दे अपनी जितनी भी नमतें हैं उनको आखरत को कमाने में लगा दे इससे अपनी आखरत का कारोबार करे ताकि वहां पर फायदा हो वह मनफिस समावाद आसमानो जमीन में जो भी है वो उसी का है और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से तकबर नहीं करते और ना ही वो थकते हैं फरिश्तों की मिसाल दी गई अल्लाह ताला को तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है अल्लाह के पास तो ऐसी बेशुमार मखलूक है जिसको हम शुमारी नहीं कर सकते गिन ही नहीं सकते की जो दिन रात अल्लाह की इबादत करती है और थकती ही नहीं यहाँ एक सवाल पैदा होता है की फरिश्ते जो है वो एक वक्त में कुछ और काम भी कर रहे होते है तो उस वक्त वो तस्बी तो नहीं कर रहे होते क्योंकि अगली आयत में आता है यूसुफ बेहून अल्लाहारून वो शब रोज तस्बीह करते हैं दम नहीं लेते लाई अफ्तरून का मतलब है कि वो रुकते ही नहीं तो इससे क्या बात पता चलती है कि फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ तस्बीह करते रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें भी अपने काम काज करते हुए ड्राइविंग करते हुए कुकिंग करते हुए क्लीनिंग करते हुए साथ साथ तस्बी करते रहना चाहिए यहाँ फरिश्तों की मिसाल दी जा रही है और फरिश्तों का कलाम जो है वो अल्लाह की तस्बी है अबू जर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह को कौन सा कलाम ज्यादा पसंदीदा है आपने फरमाया जो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के लिए पसंद कर रखा है सुबह अल्लाह वमदीही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते और वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते आसमान चिरचराने लगे और उनका हक भी है कि वो चिरचराए क्योंकि आसमान में चार उंगलियों के बराबर भी ऐसी जगह नहीं जिस पर कोई फरिश्ता सजदा रेज न हो और आसमानों की वसुत तो जमीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा है आप सोचिए कि जिस रब की इबादत करने वाली इतनी बेशुमार मखलूक है अगर मैं नहीं करूंगी तो अल्लाह ताला का क्या नुकसान है हमारी इबादत से उसको कोई फायदा नहीं ये हमारी इबादत हम ही को फायदा देती है हमारा सजदा हमारी रूहानी जिस्मानी सेहत के लिए बेहतर है हमारा माल खर्च करना खुद हमारी जहनी और सेहत के लिए अच्छा है और अजर अलग मिल रहा है जो आखिरत में है तो फरिश्ते अल्लाह ताला की पसंदीदा मखलूक है लेकिन इंसान फरिश्तों से बेहतर हो सकता है अगर अपनी चॉइस और अपनी मर्जी के साथ अपनी इबादत में दिलचस्पी ले ये सवाल अब्दुल्ला बिन हारुस ने काब अखबार से भी किया कि आप बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के बारे में फरमाया है कि ये सब हून अल्लाहीअार अल्ला अफ्तरून तो क्या उन्हें आपस की बातचीत पैगम्बरों को वही पहुंचाना और दूसरे काम काज तस्बी में रुकावट नहीं बनते उन्होंने फरमाया बेटा अल्लाह ताला ने उनके लिए तस्बीह ऐसे ही कर दी है जैसे तुम्हारे लिए सांस लेना कर दिया है क्या ऐसा नहीं कि तुम बात भी कर रहे हो तो सांस भी ले रहे होते हो और चलते हुए भी सांस ले रहे होते हो और आपको पता है कि जन्नत में हमारे लिए भी इंसानों के लिए भी तस्बी ऐसे ही होगी जैसे सांस ले रहे यानी जन्नती मुसल अल्लाह की तस्बी करते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया में भी इसकी आदत बना ले अमित अर्दी हम क्या उन्होंने जमीन में कुछ ऐसे मबूद बना रखे है जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं अगर इन दोनों में अल्लाह के सिवा कुछ और मबूद होते तो उन दोनों का निज़ाम बिगड़ जाता बस अल्लाह जो अर्श का रब है उन बातों से पाक है जो वो बयान करते हैं यानी इन लोगों ने तो जमीन में कई अल्लाह के मबूद बना रखे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जमीन और आसमान दोनों जगह सिर्फ एक ही अल्लाह माबूद है वहूअल फमायला अर्द इलाह और वही है जो आसमानों में महबूद है और जमीन में भी महबूद है तो यहाँ ये यह कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और महबूद होता जमीन का कोई और और आसमान का कोई और या एक से जायद कोई मबूद होते तो फिर कायनात का सिलसिला चल ना सकता दरहम बरहम हो चुका होता क्योंकि हर एक की अपनी मर्जी होती और वो अपने तरीके से दुनिया को चलाना चाहता और फिर फसाद ही फसाद होता अब एक घर के अंदर ये मिसाल लीजिए एक घर के अंदर अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर इतफाक न हो तो घर जहनम का नमूना बन जाता है क्योंकि हर कोई अपनी मर्जी करना चाहता है तो जिस जगह पर दो जिम्मेदार अपनी अपनी मर्जी करना चाहते हैं जैसे मुख्तार मुल्कों में आप देखते हैं कि जहाँ की लीडरशिप के अंदर आपस का इतफाक नहीं होता और एक से ज्यादा पावरफुल एंटिटीज होती है तो नतीजा क्या होता है वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करता तो दुनिया चल ही ना सकती अगर एक इलाह के अलावा कोई और इलाह भी होता अभी तो है नहीं लोगों ने खुद साख्ता गढ़ रखे हैं जिनकी कोई ताकत पावर मिल्कियत है ही कोई नहीं तो उसकी वजह से फिर मसला नहीं होता ला युस अलू अम्मा या फलूस अलून जो कुछ वो करता है उसके बारे में उससे पूछा नहीं जा सकता जबकि ये सब पूछे जाएंगी यानी इन सब से पूछा जाएगा लोगों से पूछा जाएगा लेकिन अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता अल्लाह के सामने हम ये नहीं कह सकते वाये आपने ये क्यों किया आप कौन होते हैं उससे पूछने वाले हर चीज तो उसकी मिल्कियत है और अपनी मिल्कियत में जो चाहे करे यानी आप अपनी चीजों के साथ जो चाहते करते कोई आपको पूछ नहीं सकता कि आपने अपने किसी चीज को कहा दिया क्यों दिया कब दिया कैसे दिया और अगर कोई सवाल करने लगे तो आप क्या कहते हैं मेरी चीज मेरी मर्जी मेरा घर कोई आपसे आपके घर आके पूछ सकता है की आपने सोफा यहाँ को रखा हुआ और इस तरह की कुर्सी क्यों खरीद कर रखी हुई और आपका किचन ऐसा क्यों है को पूछ सकता है अगर कोई ऐसा पूछे तो आप क्या कहेंगे कि ये बेवकूफ है ये मेरा घर है तुम्हारा तो नहीं तुम कौन हो इतराज करने वाले तो बाद सवाल जो है वो एतराज होते हैं हमें हक नहीं है कि हम अल्लाह ताला पर कोई भी एतराज करे क्या आपने आज बारिश क्यों बरसा दी और आज स्नो क्यों नहीं हुई और आज ये क्यों दुनिया में हो रहा है और वो फलान जगह लोग क्यों मर रहे हैं ये क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है नहीं अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता अल्लाह ताला जो कुछ करता है अपने इल्म के साथ करता है और उसकी हिकमत और उसका फजल बहुत बड़ा है अमित ही आलिहा या इन्होंने उसके सिवा कुछ और माबूद बना रखे हैं? आप कह दीजिए अपनी दलील पेश करो ये उनकी नसीहत है जो मेरे साथ हैं और उनके भी जो मुझसे पहले थे बल्कि इनकी अक्सरियत हक को नहीं जानती लिहाजा ये मुंह फेरे हुए हैं। यानी हर आसमानी किताब में सिर्फ तोहिद का ही जिक्र मिलता है पहले पैगम्बरों ने भी यही सबक दिया और नबी का भी यही पैगाम था वामा अरसल्लाम कबली कमिर रसूल अल्लाह नूह और आपसे पहले हमने जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ हमने यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है बस तुम मेरी ही इबादत करो और उन्होंने कहा रहमान ने कोई औलाद बना रखी है वो पाक है बल्कि वो तो इज्जत दिए गए बंदे है यानी फरिश्ते मुशरकिन फरिश्तों को अल्लाह की कहा करते थे फरमाए वो नहीं वो तो अल्लाह के है और उसके फर्मा बरदार है इताद गुजार है इबादत गुजार औलाद की जरूरत किसको होती है जिसके अंदर कमजोरियाँ होती हैं तो अल्लाह ताला तो हर कमजोरी और कोताही से पाक है सुबह हाँ नाक है वो यानी हर कमी कोताही कमजोरी से उसे किसी औलाद की या सहारे की जरूरत ही नहीं लाइस भी कू नौली वह भी अमरी ही या अमल वो किसी बात में उससे आगे नहीं बढ़ते बल्कि वो उसी के हुक्म पर अमल पैरा होते हैं ये भी फरिश्तों ही की सिफत है की फरिश्ते इंतहा दर्जे के फरमा बरदार है की उसकी इजाजत के बगैर बात तक नहीं करते उसकी इजाजत के बगैर बात भी नहीं करते और फिर जैसा हुक्म मिलता है वैसा ही काम करते हैं उसके हुक्म से ही उतरते हैं उसके हुक्म से ही चढ़ते हैं उसके हुक्म से ही किसी की जान लेते हैं हर काम और ये गुलामी की इंतहा है कि आका की मर्जी के बगैर ना कुछ बोलते हैं ना करते हैं इंसान की तो अपनी औलाद भी ऐसे नहीं होती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसकी एक मिसाल है एक आदमी ने अल्हम्दुलिल्लाह ही कसीरा कहा उस कलमे को लिखना फरिश्ते पर भारी हुआ उसने अल्लाह ताला से पूछा कि मैं इसको कैसे लिखूं? तो उसे बताया गया कि जिस तरह मेरे बंदे ने कसीरा कहा इसी तरह लिखो जो कहा वो ही लिख दो बस अजर देने वाला तो अल्लाह है इसका मतलब ये कि जो काम उन्हें नहीं आता फिर वो दोबारा पूछ लेते हैं या मुना खल्फा हम वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है और वो सिर्फ उसी की सिफारिश कर सकेंगे उसी की शफात कर सकेंगे जिससे वो राजी हो और वो खुद उसकी खशियत से डरने वाले हैं यानी फरिश्ते इतनी इबादत और फर्मा बरदारी करने के बाद भी सिफारिश का हक हाँ नहीं रखते ठीक है बस उसकी सिफारिश करेंगे जिसके लिए अल्लाह राजी होगा इजाजत देगा और इतनी इबादत के बावजूद भी वो डरते रहते हैं मुश्फिकून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसरा वाली रात फरिश्तों के पास से गुजरा और जबरील अल्लाह ताला की खशियत की वजह से वो सीधा टाट की तरह लग रहे थे हालांकि उनका अपना असल जो ड्रेस है वो बहुत ही खूबसूरत है और उससे हर वक्त हीरे मोती झड़ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह का डर इतना ज्यादा है इसी तरह जुमे के दिन वो बहुत डरते हैं आपने फरमाया कोई मुक्रम फरिश्ता जमीनों आसमान पहाड़ और पत्थर ऐसा नहीं जो जुमे के दिन उससे ना डरता क्यूँकी क्यामत जुमे के दिन आएगी और इनमें से जो कोई ये कहे की मैं भी उसके सिवा मबूद हूँ तो हम उसको जहनम की सजा देंगे ऐसे जालिमों को हम इसी तरह सजा देते हैं यानी बिलफर्ज अगर इन फरिश्तों में से या अम्बिया में से कोई यह कहे कि तुम अल्लाह को छोड़ के मेरी बंदगी करो वो अपने आप को इलाह डिक्लेयर कर दे तो उसे भी हम जहन्नम की सजा देंगे यानी चाहे उनका मकाम कितना भी बड़ा लेकिन अल्लाह के आगे कोई बड़ाई नहीं इसका मतलब नहीं कि ऐसा कोई करने वाला था फरिश्ते और अम्बिया ऐसा कभी कह ही नहीं सकते सोच भी नहीं सकते जैसे अम्बिया को नबी सलाम को खबर दी गई कि अगर किसी ने शिर किया तो उनके अमल जया हो जाएंगे इसका मतलब नहीं था कि उन्होंने शिर करना था उनके मिसाल दे के हमें समझाया जा रहा है कि किसी इंसान की कितनी भी नेकियां हो पहाड़ों जितनी नेकियां हो लेकिन अगर शिर करता है सब कुछ साफ हो जाएगा अवलम कफरू अन्न अवलमी नमादना हुमा जिन लोगों ने कुफर किया क्या उन्होंने देखा नहीं की आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और हर जिंदा चीज को हमने पानी से पैदा किया क्या ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाएंगे का मतलब होता है दो या कई चीजों का आपस में सख्ती से जुड़ा और चिपका हुआ होना हाँ वो फितरी तौर पर हो जैसे पत्थर होते हैं उसके जर्रात आपस में किस कदर चिपके हुए होते हैं और फिर का मतलब होता है ऐसी जुड़ी हुई चीजों को अलग अलग कर देना तो जमीन और आसमान की तखलीक खालिक की पहचान की एक निशानी है तो बताया जा रहा है की कि किस तरह वजूद में आए की पहले आसमान और जमीन आपस में सख्ती से जुड़े हुए थे मिले हुए थे जमीनों आसमान एक ठोस शक्ल में इकट्ठे थे, थे फिर अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह कुदरत के साथ उनको अलग अलग कर दिया दरमियान का हिस्सा खला कर दिया और फिर सात आसमान बनाए और सात जमीने बनाई और दीगर सितारे सैयारे तो अनगिनत है जो वजूद में आए तो अल्लाह के सिवा किसकी मजाल है कि ऐसी कोई चीज बना सके और आज आप देखें साइंस भी ये बात तस्लीम करती कि कायनात पहले एक बड़े गोले की शक्ल में थी और फिर एक बड़े धमाके के साथ हर चीज अलग अलग हुई लेकिन धमाका करने वाले को नहीं पहचानते वजह अल्लास या अन तमीदिम और हमने जमीन में पहाड़ बना दिए कि वो इन्हें लेकर हज गोले न खाए और हमने इनमे कुशादा रास्ते बना दिए ताकि वो राह पा जाए अल्लाह की तोहिद और उसके फजल के अब मुख्तलिफ दलाइल पेश किए जा रहे हैं वजा असक महफूजा मोहम्मन आया तमाम और हमने आसमान को महफूज छत बनाया लेकिन वो उसकी निशानियों से मुंह मोड़ने वाले है यानी आसमान एक छत की तरह है एक खैमे और कुब्बे की जैसे छत होती है ऊपर का हिस्सा फिर यह है की जमीन पर गिरने से उसको रोका हुआ अल्लाह ताला ने या ये की शयातीन से महफूज कर रखा है और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं अल्लाह की फर्मा बरदारी और इतात में लगे हुए हैं जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से बस चल रहे हैं और चल रहे हैं कभी रुकते नहीं थकते नहीं वो माजाअर कबल कल खुल्द और हमने आपसे पहले किसी इंसान के लिए हमेश की नहीं बनाई क्या फिर अगर आप वफात पा गए तो भला वो हमेशा रहने वाले हैं अब ये तोहिद के छह दलाइल के बाद दुनिया की हकीकत का जिक्र किया जा रहा है की दुनिया की हकीकत क्या है यानी दुनिया अल्लाह तला ने हमेशा के लिए नहीं बनाई और किसी भी इंसान को हमेशा के लिए नहीं बनाया कोई नो या बद इससे यह पता चलता है कबल कल खुद आपसे पहले भी किसी इंसान के लिए हमने हमेशा नहीं बनाई इससे क्या पता चलता है की खजर अल्लाह फौत हो चुके हैं क्यूँकि बहुत से लोगों का ये अकीदा है की अब तक जिंदा है और लोगों की मदद करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और ईसा आई सलाम अगर अभी आसमानों पर जिंदा है तो वो भी दुनिया में दोबारा उतारे जाएंगे और फिर एक नेचुरल डेथ के साथ फौत होकर जमीन में ही दफनाए जाएंगे और जमीन से ही निकाले जायेंगे कुल्लू अब इसके बाद एक और दलील दे दी गई पहले फरमाया की आपसे पहले किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नहीं आप भी फौत हुए आपको खबर में दफन किया गया इसी तरह बाकी अम्बिया भी तमाम अलिया अल्लाह और आज भी और आज के बाद भी जो भी कोई जी रूह है कुल्लु नफ्स चाहे कोई इंसान है चाहे कोई हवान है चाहे कोई फरिश्ता है चाहे कोई जिन है चाहे जमीन पे बसने वाली कोई और मखलूक है हर जी रूह की रूह रू निकलनी है जानी है मरना है सबने मरना है कुल्लु नफ्स ए जायक़ल मौत वह नबलू रिफितना और हम तुम्हे आजमाने के लिए बुराई और भलाई में मुबतला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे आप देखे की हमारे माशरे में मौत को एक गाली समझा जाता है पर अगर ये कहा जाए फलाम फौत हो गया या मर गया है तो ये शायद उसकी शान के खिलाफ है अब भी आप देखे मुसलमानों के अंदर क्या ट्रेंड है जब किसी रसूल की बात होती है खुद नबी सलम की या किसी बुजुर्ग की या किसी वली की तो मौत या फौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते उसके लिए या करेंगे इंतकाल इंतकाल क्या मतलब है जगह बदल लिए अब यहां थे पहले तो फिर वो चले गए मौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते या कहते हैं पर्दे में हो गए पर्दा फरमा गए कभी सुना आपने ये पर्दा फरमा गए या फिर इसी तरह के कुछ और अल्फाज इख्तियार किए हुए लेकिन ये कहना उनको लगता है जैसे हमने कोई तोहिन कर दी कि वो फौत हो गए हालांकि हयात जिंदगी अल्लाउम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ते अगर आप किसी के बारे में भी ये समझते हैं ना कि उस पर फना नहीं और उस पर मौत नहीं तो फिर आप शिर की किस्म कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है कि उसको ला वला वाल मौत तो दूर की बात उसको तो ऊंग भी नहीं आती अल्लाई अल्कयम है वो और ये जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है हमें जो एक बक्ति महदूद जिंदगी है हमें आजमाने के लिए इसमें शर और खैर से आजमाया जा रहा है तो इससे क्या पता चलता है शर तो आजमाइश है ही जो खैर और नेमत हमें मिली है वो भी आजमाइश है लेकिन हम इसको भूल जाते हैं इसलिए कोई तकलीफ आती है तो परेशान हो जाते हैं कोई नेमत मिलती है तो भूल जाते हैं शुक्र अदा नहीं करते और ये नहीं सोचते कि इसमें भी तो हमारा इम्तिहान है ये भी आजमाइश के लिए तो अल्लाह सुबहान तरफ से इंसान पर कभी सख्ती आती है कभी नरमी आती है कभी बीमारी आती है कभी सेहत होती है कभी दौलत आती है कभी फखर आ जाता है ये सारी चीजें क्यों है ताकि इंसानों को आजमाया जाए क्या आजमाइश की तकलीफ पर सब्र करता है या नहीं और नमत पर शुक्र करता है या नहीं बस ये हमारा टेस्ट और अक्सर लोग इसी में फेल हो जाते हैं तकलीफ आने पर शिक्वे शिकायत इतात में कोताही और नेमत आने पर इतराना और इतात में कोताही हर दो चीज में हम जिस चीज को नहीं करना चाहिए वही करते हैं और वो है अल्लाह की इता इबादत और अल्लाह की फर्मा के काम लेकिन मोमिन का मामला इससे अलग होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का मामला अजीब है क्योंकि उसका सारा मामला ही खैर है और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं होती अगर उसे खुशी हासिल होती है तो वो शुक्र करता है सो वो उसके लिए बेहतर है वो भी उसको अजर का जरिया बन गई और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र करता है और वो भी उसके लिए बेहतर है और इंसानों को आजमाने की बात कुरान मजीद में और जगहों पर भी की गई है सूरत में, सूरत नाम में, सूरत में, सूरत अल 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 आराफ में 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 नाम मुल्क कहफ और जिन लोगों ने कुफर किया जब वो आपको देखते हैं तो आपका मजाक उड़ाते हैं क्या यही वो शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र का इनकार करने वाले है पीछे खैर और शर्क के साथ आजमाइश की बात थी तो खैर बहुत सारी चीजों में है लेकिन बनी नो इंसान के लिए सबसे बड़ी खैर रसूल सल्लासम की जात है, का इल्ला लेकिन आपकी आमद लोगों के लिए एक आजमाइश भी थी कि कौन नेमत की कदर करते हुए आप पर ईमान लाता है और कौन न कदरी करता है ना शुक्री करता है कुफर करता है खुलक में इंसान सऊरी को इंसान जल्दबाजी के खमीर से पैदा किया गया है मैं अपनी निशानियाँ दिखाऊंगा बस तुम मुझसे जल्दी का मुतालबा न करो जल्दबाजी क्या होती है उजलत क्या होती है किसी चीज के मुकर्र वक्त से पहले है उसका इरादा करना की वो हो जाए तो ये जल्दबाजी जो इंसान की फितरत में दाखिल है वो पैदा ही जल्दबाज किया गया है वकान अल इंसान अजूला और ये क्यों कहा गया कि खुले कल इंसान उन्हें अजल अजल से पैदा किया गया जल्दबाजी से पैदा किया गया ये मोरबालगी के लिए है जैसे किसी को अदल कह दें तो मुरादी कि ये बहुत ज्यादा आदिल इंसान है इसी तरह अजल कह दें तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जल्दबाज है इस आयत को पढ़कर हम सबको अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए और अपनी आदतों को देखना चाहिए बाज लोग हर चीज में जल्दबाजी करते हैं कुछ लोग तो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें क्योंकि हमारी आजमाइश है ना इसमें तो इसलिए इस पर वर्क करना है ये एक फित्री कमजोरी हमारे अंदर रख दी गई है अब देखे छोटी सी तकलीफ पर हम जल्द मायूस हो जाते छोटी सी खुशी पर जल्द हम आप से बाहर हो जाते कोई हमारा काम ना हो तो हम उसमें जल्द परेशान हो जाते हैं और काम कोई डिले हो या किसी भी चीज में अगर ताखिर हो अगर कोई काम एक महीने बाद होने वाला तो हम उसके लिए आज सोचना शुरू कर देते एंगजाइटी किस लिए होती उसके पीछे क्या रीजन होती है उसके पीछे भी जल्दबाजी होती है क्योंकि हम क्या चाहते हैं बस अब फौरन हो जाए जल्दी हो जाए देर क्यों हो रही है रुकावट क्यों और ये नहीं कि बड़ों में होती है अगर आप बच्चों को बताएं आज हम पार्क चलेंगे कहे तो बैठे एक दफा फिर क्या होगा हर थोड़ी देर के बाद पूछेंगे कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे? जाएंगे अच्छा मुझे अपना याद है कि छोटे होते थे तो हमारे वालदा अपने वालदा के घर हमें लेके जाते थे तो उस वक्त सवारियां इतनी तेज नहीं होती थी तो हमें इतना शौक हो तो सारा दिन इंतजार करते बस चलेंगे चलेंगे हर थोड़ी देर कब जा रहे हैं कब जा रहे हैं कब अच्छा जब चढ़ बैठते तो फिर उसके बाद कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे कब पहुंचेंगे अच्छा जो पहुंच जाते कब वापस जाएंगे कब वापस जाएगा कब होगा कैसे होगा तो ये हम सब की कमजोरी है इस पर काबू सब्र के साथ ही पाया जा सकता है कि इसका इलाज क्या है सब्र इंतजार सब्र में इंतजार भी है ना और कहते हैं अल इंतजार हूँ अशद्दु में मौत इंतजार तो मौत से भी ज्यादा सख्त है और कुफार मक्का क्या था इस जल्दबाजी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा नहीं मानोगे तो अजाब आएगा तो कहते थे कब आएगा चीज है तल्लाते तल्ला तो निशानियाँ दिखाऊंगा बस तुमसे जल्दी का मुताबा न करो कि जल्दी अब निशानिया जाए इसी तरह सूरत में पड़ा था वकानसान अजूला और इंसान बुराई की इसी तरह दुआ करता है जैसे वो भलाई की दुआ करता है और इंसान बहुत जल्दबाज है बद दुआ में भी बड़ी जल्दी करता है वह अकुल नुम साद और इसी जल्दबाजी की वजह से और ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा यानी तंजिया तौर पर अजाब के बारे में बार बार पूछते थे इंसान किसी खुशी की चीज के खुशखबरी के बारे में बार बार पूछे कि कब मिलेगी शर के बारे में बार बार सवाल करें कि कब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी एक अकलमंदी की बात है लेकिन ये दरअसल यकीन नहीं रखते थे ना उसकी कोई हकीकत भी है कि वो अजाब आ भी सकता है लिहाजा तंजिया तौर पर मजाक उड़ाने के लिए भी लिटिल करने के लिए ये सवाल बार बार करते काश ये लोग जिन्होंने कुफर किया उस वक्त को जान ले कि जब वो अपने चेहरों और अपनी पुश्तों से आग को हटा ना सकेंगे और ना ही वो मदद दिए जाएंगे बल्कि वो इन पर अचानक आ जाएगी तो वो इन्हें हैरान कर देगी तो वो उसको रद्द करने की इस्त्यात न रखते होंगे और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे मतलब यह है कि क्यामत अचानक आएगी और यकीन आपसे पहले भी कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो उनमें से जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उन्हें उसी चीज ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे कह दीजिए वो कौन है जो रात और दिन में रहमान से तुम्हारी निगहबानी कर रहा है बल्कि वो अपने रब के जिक्र से एराज करने वाले है या हमारे सिवा इनके कुछ और महबूद है जो इन्हें बचा लेंगे यानी अल्लाह ही बचा रहा है तुम्हें अल्लाह ही रोक रहा है उस अजाब को वो तो खुद अपनी मदद की भी इस्तेत नहीं रखते और न वो हमारी तरफ से साथ दिए जाएंगे बल्कि हमने इनको और इनके आबाजा को सामान्य जिंदगी दिया यहाँ तक कि इन पर जिंदगी की मुद्दत तभील हो गई क्या फिर ये देखते नहीं कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं क्या फिर भी यही गालिब आने वाले हैं कह दीजिए बेशक मैं तो तुम्हें वही के जरिए खबरदार कर रहा हूँ यानी अपने पास से बातें नहीं सुना रहा और बहरे पुकार को नहीं सुना करते जब भी वो खबरदार किए जाएं और अगर इन्हें आपके रब के अजाब का एक झोंका भी छो जाए तो ये जरूर कहेंगे हाय अफसोस हम पर बेशक हम ही जालिम थे और हम क्यामत के दिन इंसाफ वाले तराजू रख देंगे तो किसी जान पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और अगर वो अमल राय के दाने बराबर भी होगा तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब लेने के लिए काफी है यानी क्यामत के दिन सब लोग अपनी आंखों से इंसाफ देखेंगे और इसे भी पता चलता है कि क्या के दिन आमाल को एक सूरत भी दी जाएगी मीजान में रखने के लिए। और हमने मूसा और हारून को मुत्त लोगों के लिए खूब फर्क करने वाली चीज और रोशनी और नसीहत अदा की वो लोग जो अपने रब से गायबाना तौर पर डरते हैं और वो क्यामत की घड़ी से भी डरने वाले है यानी रब को देखे बगैर उसका शदीद खौफ रखते हैं और ये एक मुबारक जिक्र है वो हजा जिक्र मुबारक उनहू अफा तुम लहूम की रोन और ये एक मुबारक जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है क्या फिर भी तुम इसका इनकार करते हो यानी एक तो ये किताब बात है दूसरे ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है फिर भी तुम इसको नहीं मान रहे वलकद आतना इब्राहिम और कबल व कुन्ना बिही आलिमीन और इससे पहले हमने इब्राहिम को उसकी समझ बूझ अता की थी और हम उसे खूब जानने वाले थे यानी उसकी समझ बूझ का हमें अच्छी तरह अंदाजा था जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा ये कैसी मूर्तियां हैं जिनके लिए तुम जम कर बैठे हुए हो वो कहने लगे हमने अपने आबाओ दाद को इन्हीं की इबादत करने वाला पाया है और कोई दलील नहीं बाप दादा की अंधी तकलीद उसने कहा तुम और तुम्हारे आबाओ दाद यकीन खुली गुमराही में थे वो कहने लगे क्या वाकई तुम हमारे पास हक लेकर आए हो या तुम दिल लगी कर रहे हो ऐसे हमसे मजाक कर रहे हो क्योंकि क्यूँकी परस्ती के दलदल में फंसे हुए लोग ये तो सोच ही नहीं सकते थे कि कोई शख्स इनको गुमराह कहेगा यानी इनकी वजह से गुमराह फैल रही है यानी वो सोचे ना कि वो उन बुतों को उन मूर्तियों को वो तो एक के मकाम पे रखे हुए थे और इब्राहिम उनको क्या बता रहे हैं कि ये तो खुली गुमराही के असबाब है इसलिए उन्होंने कहा क्या आप मजाक कर रहे हैं उसने कहा बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है जिसने इनको पैदा किया है और मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे पीठ फेर कर जाने के बाद तुम्हारे बुतों के साथ जरूर एक चाल चलूंगा फिर उसने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय उनके एक बड़े के ताकि वो उसकी तरफ रुझू करें कहने लगे हमारे महबूदों के साथ ये किसने किया है यकीन वो जरूर जालिमों में से है चूंकि अकल से आ रही थे इसलिए ये नहीं सोचा कि वो ये कैसे मबूद है जो अपना दिफा भी नहीं कर सके हमारे महबूदों को किसने तोड़ दिया जलील किया अगर वो मबूद होते असलन तो वो अपना दिफा ना करते टूटने देते मार खाते यानी एक इंसान जिसके अंदर भी थोड़ी सी भी अकल हो वो किसी की मार नहीं खाता वो जरूर अपना दिफा करता है तो ये कैसे खुदा है तुम्हारे के जिन्होंने मार खा ली और टूट गिरा नीचे और कुछ किया भी नहीं वो कहने लगे हमने एक नौजवान को उनका तस्करा करते सुना था जिसे इब्राहिम कहा जाता है हनी बुतों को तोड़ने वाले को ढूंढना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो इब्राहिम तो पहले ही कह चुके थे साफ ऐलान कर दिया था कि मैं जरूर तुम्हारे बुतों की खुफिया तदबीर करूंगा तो उन्होंने कहा हमने एक जवान को सुना है इन बुतों का जिक्र कर रहा था उसे इब्राहिम कहा जाता है यानी अंदाज उनका क्या था एक तहकीर वाला अंदाज है इन जैसे वी डोंट नो वो, एक था, वो ऐसा था, वैसा था थर्ड पर्सन के तौर पर उसको गैर अहम करार दे रहे हैं वो कहने लगे फिर उसे लोगों की निगाहों के सामने ले आओ, ताकि सब गवाह हो जाए कहने लगे इब्राहिम क्या तूने हमारे महबूदों के साथ ये सलूक किया है उसने कहा बल्कि ये तो इनके इस बड़े ने किया है बस इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हैं यानी एक बुद्ध को उन्होंने छोड़ दिया इससे पूछ लो तो अपने दिलों की तरफ पलटे फिर कहने लगे बेशक तुम खुद ही जालिम हो उन्हें अपनी गलती नजर आ गई इब्राहिम ने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया और असल दाइ दीन वही होता है जो लोगों को सुचवाता है उनका जमीर जगाता है उनकी सोचने समझने की सलाहियत को उभारता है कि खुद अकल से काम लो तो उन्हें समझ आ गई कि जिन्हें हम अपना हाजत रवा और मुश्किल को करार देते हैं उनकी बेबसी और बेचारगी का हाल यह कि अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को भी नहीं टाल सके तो वो हमारा क्या बनाएंगे फिर वो अपने सरों के बल ऊंधे कर दिए गए और कहा तू जानता है कि ये बोलते नहीं वो पुरानी जिद फिर लौट आई हक तस्लीम करने की बजाय जिद और जहालत में पड़े रहे उसने कहा क्या फिर तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो न तुम्हे कुछ फायदा दे सकते हैं और ना नुकसान उम है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो क्या भला तुम अकल से काम नहीं लेते उन्होंने कहा जला डालो इसे और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो अल्लाह माबूद मदद करते हैं या आबिद मदद करते हैं अकल उलट गई थी ना पीछे आ रहा है ना ये निसारू उ है तो नकसा का मतलब होता सर के बल उल्टा करना सर नीचे और पाँव ऊपर और ये किसी इंसान की बहतरीन हालत होती है कि जब सर नीचे और पाव ऊपर हो तो उनकी अकलें मारी गई थी कालू हर रिखुह वंसुरु आलिकुम इनकुन तुम फाइलिन तो आप देखिए कि जब इंसान दलील से लाजवाब हो जाता है तो या तो नेकी उसे अपनी तरफ खींच लेती है या बदी फिर गालिब आ जाती है अगर बदी गालिब आ जाए तो उसके पास कोई दलील नहीं रहती और मुकम्मल लाजवाब हो जाता है फिर अगला स्टेप क्या होता है वो अपने मुखालिफ को मदे मुकाबिल को धमकियां देने लगता है अगर वो उससे भी नहीं मानता तो फिर अगला क्या होता है फिर मार देने की साजिश करने लगता है कुल्ला या नुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम हमने कहा ऐ आग तू इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा कौम इब्राहिम सलाम को जलाने की तैयारियां कर रही थी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की तदबीर क्या थी कि उसने आग को हुक्म दिया कि सलामती वाली बन जाओ अगर ठंडी हो गई तो काम तब भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा ठंडक भी तो जलाती है ना कोल्ड बर्न भी होते हैं ना तो सलामती वाली यानी ठंडी हो लेकिन इब्राहिम सलामत रहे अब आप देखिए ये बहुत बड़ा मुर्जा था ना जो उनके सामने आया लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए फिर भी नहीं माना उन्होंने बाकायदा एक चार दीवार बनाई एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया अपने हाथों से लकड़ियां डाली कहा जाता है इब्राहिम सलाम का वालिद भी उनमें शरीक था कि जो आग जलाने के लिए लकड़िया इकट्ठी कर रहे थे बहुत बड़ा इंतजाम उन्होंने किया खुद सारी तदबीरें की मेहनत की मानूम उन्हें कितने दिन लगे उनको ये करते हुए और जब नाकाम हुए इसमें तो भी उनकी आंखें नहीं खुली समझ नहीं आई कि आग कैसे नहीं जलाती याद रखिए कोई भी चीज जो काम कर रही है वो दरअसल अल्लाह की कर रही है हमारी आंख देखती है तो ये अल्लाह के इज्जत से देख रही है अल्लाह ही इसको दिखवा रहा है हमारी जबान बोलती है तो ये भी गोश्त का एक टुकड़ा ही है ना लेकिन हिलती है तो कैसे कैसे लफ्ज निकल रही किधर से कभी बोलते हुए सोचे कहा से आ रहे हैं लफ्ज ये आवाज भी आ रही है और फिर उसके अंदर एक सेंस भी है और फिर ये क्या हो रहा है इंसान की अकल दंग रह जाती है अगर सिर्फ अपने वजूद पर गौर फिक्र शुरू कर दे और यह चीज़ इंसान को अल्लाह का कुर बता करती है अल्लाह की मारिफत देती है जितना जितना हम अपने ऊपर गौर करते हैं हम गफलत में जी रहे हैं ना जैसे आज के पारे की पहली आय थी गफलत हम गफलत में जी रहे हैं हम बस अपने आप से भी गाफिल है अपने आप को भी भूले हुए हैं तो आग अगर जलाती है ना तो अल्लाह के हुक्म से और अगर वो ठंडी हो जाती है तो अल्लाह ही का हुक्म है तो असल चीज क्या है अल्लाह का हुक्म हमें असबाब इख्तियार तो करने हैं लेकिन असबाब पर भरोसा नहीं करना भरोसा हमें अल्लाह की जात पर करना है क्योंकि हर चीज उसी का हुक्म मान रही है क्योंकि मालिक वही है ना आसमानों का भी और जमीन का भी और उन्होंने उसके साथ एक चाल चलने का इरादा किया तो हमने उन्ही को इंतहाई खसारे में डाल दिया यानी कौम ने इब्राहिम सलाम से छुप कर साजिश की उनको जलाने की उनको ये डर था कि कहीं इब्राहिम यहाँ से निकल ना जाए लेकिन हुआ यह सबसे ज्यादा जहां के लिए बरकत रखी थी कौन सी जगह है जिसे बरकत अता की थी फलस्तीन की जमीन इब्राहिम जो थे इनके जो वाले वगैरा थे इराक के इलाके में रहने वाले थे हमें तुर्की जाने का इतफाक हुआ था तो हमें पता चला के फा में वो जगह अभी तक है जहाँ इब्राहिम सलाम के लिए अलाव तैयार किया गया था और सब तो मेरा तो ख्याल है बाय बस तकरीबन दस बारह घंटे या ज्यादा का सफर था तो हम ओर्फा गए और वो पूरा इलाका देखा जहां पर ये सारे वाकत हुए अल्लाह ही हकीकत जानता है लेकिन काफी सेंस बन रही थी तो फिर इब्राहिम सलाम ने वो जगह छोड़ दी और वो हिजरत करके फलस्तीन की तरफ आ गए

नेक औलाद की खुशखबरी मिली कि नेक होंगे इंसान का दिल ठंडा हो जाता है कि जब वो अपनी औलाद के अंदर कोई नेकी देखता है किसी खैर के काम की तोफीक देखता है अल्लाह हम सब के बच्चों को नेक बनाए वजह अल्लाहम अम्मत यहाद अमरीना और हमने उन्हें इमाम बना दिया इब्राहिम और उनकी औलाद को हजरत इसाक और हजरत इस्माइल और याकूब और फिर हजरत यूसुफ और फिर उनके बच्चों में से भी बेशुमार नबी आए वो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे और हमने उनकी तरफ नेकियां करने नमाज कायम करने और जकत अदा करने की वही की और वो सब हमारे इबादत गुजार बंदे थे तो क्या पता चलता है कि पहली शरीयतों में भी नमाज और जकत थी और लूत को हमने हुक्म और इल्मा किया और हमने उसे उस बस्ती से निजात दी जो गंदे काम किया करती थी दर हकीकत वो बहुत बुरे फासिक लोग थे और हमने उसे अपनी रहमत में दाखिल कर लिया बेशक वो नेक लोगों में से था और नूह का जिक्र कीजिए जब इससे पहले उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली तो हमने उसे और उसके घर वालों को बहुत बड़े कर्ब से निजात दी और जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटला दिया था उनके मुकाबले पर हमने उसकी मदद की बेशक वो बहुत बुरे लोग थे तो हमने उन सब को गर्क कर दिया और दाऊद और सुलेमान का जिक्र कीजिए जब वो दोनों एक खेत के मामले में फैसला कर रहे थे जब कुछ लोगों की बकरियां उसको चर गई थी और हम उनके फैसले को देख रहे थे कहा जाता है कि ये अंगूर की बेलें थी जिनके गुच्छे लटक रहे थे उसे बकरियों ने उजाड़ दिया दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा आया आपने फैसला किया कि भेड़ बकरियां अंगूर की बेलों के मालिक को दे दी जाए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह के नबी इसका फैसला एक और भी है पूछा वो क्या अर्ज की आप अंगूर की बेलें भेड़ बकरियों वाले के हवाले कर दे वो इनकी निगेदाश्त करे जब तक वो दोबारा पहले जैसी ना हो जाए और भेड़ बकरियां अंगूर के बेलों वाले के हवाले कर दें वो उस वक्त तक उनसे फायदा उठाता रहे और जब अंगूर की बेलें पहली हालत पे आ जाए यानी जो खाई थी वैसे ही बन जाए तो आप अंगूर की बेलें उसके असल मालिक के सपूर्द कर दें और भेड़ बकरियां उसके मालिक के सपूर्द कर दें तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया और हमने हर एक को हुक्म और इल्म अता किया तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ुकात बच्चे वालदे से बेहतर सोच सकते हैं फिर यह है कि अल्लाह ताला जिस मामले में जिसको चाहे सायो राय बना दे दुरुस्त राय अता कर दे खैर की बात सुझा दे यह भी अल्लाह की रहमत होती है कि आपके अंदर डिसीजन पावर हो आपके अंदर राइट डिसीजन लेने की पावर हो यह पावर आपकी अपनी नहीं होती ये अल्लाह आपको देता है आपके अंदर नेकी करने का ख्याल हो और फिर आप वो कर भी जाएं यह ख्याल भी अल्लाह डालता है तो इसलिए इंसान को इस पर शुक्र अदा करते रहना चाहिए फफा सुलेमान फिर हमने ये फैसला सुलेमान को सुझा दिया और हर एक को हमने हिकमत और इल्म दे रखा था और हमने दाऊद के साथ पहाड़ और परिंदे मुसखर किए थे वो सब तस्वीर करते थे और ये करने वाले हम ही थे और हमने उसे तुम्हारे लिए जंगी लिबास बनाने का हुनर सिखाया था ताकि वो तुम्हारी जंग से तुम्हें हिफाजत में रखे तो क्या तुम शुक्रगुजार हो और हमने सलेमान के लिए तेज़ तुंद चलने वाली हवा ताबे की, की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकत और पानी को हुक्म दिया, तो दिया आग को हुक्म दिया तो वो इब्राहिम पर बर्दो सलामती बन गई दाऊद के लिए तस्वीर के साथ परिंदों और पहाड़ों को मुसक्र कर दिया तो इससे पता चलता है कि अगर सलमान के सपुरद हवा का काम किया था कि तुम्हारी मर्जी से चले तो वो दरअसल सलाहियत किसने दी थी अल्लाह सुबहान और उनके साथ पहाड़ और परिंदे भी मुश्कर थे लेकिन पानी या आग को सलाम या इब्राहिम के ताबे फरमान नहीं किया न पहाड़ों परिंदों को दाऊद के हुक्म का पाबंद किया लेकिन सलमान का खादसा ये हुआ हवा उनके अंदर कर दी गई कंट्रोल में कर दी गई तजरीब अम्र ही अच्छा आप सोचे अल्लाह ताला ने अपना कोई इख्तियार अल्लाह सब को कुछ ना कुछ इख्तियार दिए हुए तो ये भी उनमें से एक इख्तियार है और अल्लाह जिस चीज को जैसे चाहे इस्तेमाल करवाए अगर अल्लाह ने हमें किसी नेक काम की तोफीक दी है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए न कि किसी इंसान से शुक्रिया की तो रख बैठे हम अगर वो खैर किसी इंसान के हक में की हमने और कई शयातीन भी जो उसके लिए गोते लगाते थे और इसके अलावा भी काम करते थे और हम ही इनकी निगरानी करने वाले थे और अयुब का जिक्र कीजिए जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है अब शुक्र के बाद सब्र की मिसाल दी जा रही है यानी दाऊद और सलमानसलाम की आजमाइश उन नेमतों के साथ हुई जिन पर शुक्र वाजिब था जबकि अयुब की आजमाइश ऐसी तकलीफ के साथ हुई जिन पर सबर लाजिम था तो हकीकत यह है कि शुक्र और सबर दोनों दो लाजम है।, है जो शाकिर हो और शुक्र वही कर सकता है जो साबिर हो बेसबरा शाकिर नहीं होता और ना शुक्र साबिर नहीं होता ये दोनों चीजें लाजमल है एक क्वालिटी होगी तो दूसरी आएगी लहूफा कशफ ना मा भी मिन दुर तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली फिर जो भी उसे तकलीफ थी वो हमने दूर कर दी और हमने उसे उसके अहलोल और उनकी मिसल उनके साथ और भी अता अपने पास से बतौर रहमत और इबादत करने वालों के लिए बतौर याद दहानी व इसमाइल इद्रिस औरुल्लु मिन साबिर और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफिल का जिक्र कीजिए ये सब भी सबर करने वालों में से थे वो अदखल ना हम फी ना और हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया था बेशक वो नेक लोगों में से थे और मछली वाले यूनुस का जिक्र कीजिए जब वो अपनी कौम से गजब नाक होकर चला गया तो उसने ख्याल किया कि हम उस पर हरगिस कादिर न हो सकेंगे फिर उसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं तो पाक है बेशक मैं ही जुलम करने वालों में से हूँ यहाँ यूनुस अल्लाम की दुआ की एक तरह से फजीलत बताई जा रही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी पता चलता है कि जब वो मछली के पेट में थे तो उन्होंने ये दुआ की जिसकी वजह से उनकी रिहाई हो गई वो तो कैद से भी बदतर जगह थी बिल्कुल अंधेरी मछली के पेट का अंधेरा समुन्दर का अंधेरा जिसमे नीचे चली गई और गमों का अंधेरा अंधेरे पर अंधेरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी कोई मुसलमान इस मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे वो दुआ उसके लिए जरूर कबूल होगी किसके साथ ला अलामीन इला तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे गम से निजात दे दी और हम ईमान लाने वालों को इसी तरह निजात दिया करते हैं और जकरिया का जिक्र कीजिए जब उसने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब तू मुझे अकेला ना छोड़ और तू ही सबसे बेहतर वारिस है और याद रखिये ही असल वारिस है बाकी जितने भी वारिस बनते हैं ना दुनिया में टेम्परे होते हैं चंद दिनों के बाद सब कुछ खत्म देखिए देखे जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो बच्चों के काम आता है बच्चे वारिस बन जाते हैं ठीक है या कोई और वारिस होते हैं वो ले लेते हैं फिर अपनी टर्न आने पर वो चले जाते हैं वो अपने बच्चों को दे जाते हैं फिर उनके बाद, फिर उनके उनके बाद बाद इसी तरह आमद तक सिलसिला चलता रहेगा और असल वारिस फिर सब चीजों को समेट लेगा ना लहू व हब ना लहू याहिया तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और हमने उसे याहिया अदा किया और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया बिलाशुबा करते थे और जिसने अपनी की की, तो हमने उसमें अपनी रूह फोक दी और हमने उसे और उसके बेटे ईसा को तमाम जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया यानी यहाँ बहुत सारे मर्दों के साथ एक औरत का जिक्र आया है इससे पता चलता है अल्लाह तला के नजदीक मरियम अलैहि सलाम की कितनी कदरदानी है और कितना मकाम है और फिर उनकी पाक दामनी की भी बार बार गवाही दी है अल्लाह ने और उनसे सारे इल्जाम धो दिए इन नहादी ही उम्मत कुम उम्मत वाहिदा वना रब फाबुदून दर हकीकत ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ लिहाजा तुम मेरी ही इबादत करो और उन्होंने आपस में अपने काम को टुकड़े टुकड़े कर डाला वो सब हमारी ही तरफ लौटने वाले है तो जो कोई नेक अमल करेगा जबकि वो मोमिन भी हो तो उसकी कोशिश की ना कदरी न होगी और बेशक हम उसकी कोशिश को लिखने वाले हैं और जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया नामुमकिन है कि वो कभी वापस लौटे यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे याजूज माजूज की तफसील सूरत कहा के आखिर में गुजर चुकी है हजरत ईसा की मौजूदगी में क्या के करीब इनका जहूर होगा और इतनी तेजी और कसरत से ये हर तरफ फैल जाएंगे कि हर ऊंची जगह से ये यू उतरेंगे दौड़ते हुए नजर आएंगे और इनकी शरारतों से अहले ईमान तंग आ जाएंगे हत्या के ईसा सलाम अहले ईमान को अपने साथ लेकर कोहतूर पर चले जाएंगे फिर ईसा सलाम की बदवा से ही हलाक होंगे और इनकी लाशों की सड़ांत और बदबू हर तरफ फैलेगी फिर अल्लाह ताला परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे फिर एक जोरदार बारिश होगी जिससे सारी जमीन साफ हो जाएगी वक्त हक, और ये कब होगा क्यामत के करीब होगा और जब सच्चा वादा करीब आ जाएगा तो जिन लोगों ने कुफर किया उनकी आंखें अचानक खुली की खुली रह जाएंगी हाय अफसोस हम पर यकीनन हम इससे गफलत में थे बल्कि हम ही जालिम थे बेशक तुम और की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो जहन्नम का ईंधन है तुम उसी में दाखिल होने वाले हो अगर ये मबूद होते तो इसमें दाखिल ना होते और सब इसी में हमेशा रहने वाले हैं। उनके लिए इसमें चीखना चिल्लाना होगा और वो उसमें कुछ ना सुनेंगे। यानी सारे के सारे शिद्दत गम और अलम से चीख चिल्ला रहे होंगे इतना चीखेंगे कि एक दूसरे की आवाज़ कान में नहीं पड़ेगी अब हुआ ये कि जब ये बात आई के तुम तो और तुम्हारे महबूद सब जहन्नम में जाओगे तो फिर कुछ लोगों की तरफ से ये इतराज आया कि लोग तो ईसा सलाम और सलाम और फरिश्तों की और बहुत से नेक लोगों की भी इबादत करते हैं और उनको भी महबूद समझते हैं तो अगली आद में उसका इजाला कर दिया गया इन लदीना सबकत लुम मन का अनहा मुबादून बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से भलाई पहले ही से तय हो चुकी वो लोग इससे दूर रखे जाएंगे यानी उनकी मर्जी नहीं थी कि उन्हें मबूद बनाया जाए वो इसकी आहट भी ना सुनेंगे कितनी खूबसूरत आए था ये वो उसकी आहट भी नहीं सुनेंगे किसकी जहन्नम की और वो अपनी मनपसंद चीजों में हमेशा रहने वाले हैं सबसे बड़ी घबराहट उन्हें गमगीन ना करेगी और फरिश्ते उनका इस्तेमाल करेंगे यह है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा दिए जाते थे सुबह अल्लाह क्या खूबसूरत अंजाम है अल्लाह हम सबका अंजाम ऐसा ही करे बड़ी घबराहट से मुराद या तो मौत है मौत की भी तो घबराहट है सोच के इंसान ज्यादा होता फिर कबर कबर की भी एक घबराहट है फिर कबर का हिसाब किताब फिर सूर फूके जाने की घबराहट फिर जब दोजख और जन्नत के दरमियान मौत को जबा कर दिया जाएगा तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं कि इन तमाम मौाक पर सच्चे पक्के मोमिनों के लिए घबराहट नहीं होगी जिन्होंने अमल साले भी किए की है अल्लाज सबसे बड़ी घबराहट उन्हें गमगीन ना करेगी और क्या होगा फरिश्ते इस्ताल करेंगे वेलकम करेंगे जैसे तालब इलम के लिए दुनिया में वेलकम करते रहते हैं और आपको दिखते नहीं लेकिन मौत के वक्त तो दिखाई देंगे तो वेलकम करेंगे और फिर यह है तुम्हारा वो दिन जिसका तुम वादा दिए जाते थे अब तुम्हारी अगली जिंदगी शुरू होगी अगला स्टेप आ गया है उस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे किताबों के लिए, लिए लिखे हुए और आग लपेट दिए जाते हैं जैसा कि हमने पहली पैदाइश की इब्तदा की थी हम इसी तरह इसका इरादा करेंगे ये हमारे जिम्मा वादा है और हम इससे जरूर पूरा करके रहेंगे वलकद वो लखनाफिस ज़बूर। शुभ हमने जबूर में नसीहत के बाद लिख दिया कि इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ऐसा नहीं तो इसलिए मुफसरीन इसको जन्नत की जमीन कहते हैं कि जन्नत के बारिस नेक लोग ही होंगे इन नीन बेशक इसमें इबादत गुजारो के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है मैसेज है बहुत बड़ी खुशखबरी है वमा अरसल्ला का इल्ला अल्लाह आलमीन और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है यानी आपका वजूद न सिर्फ ये इंसानों बल्कि हैवानों के लिए भी समुन्दर की मछलियों के लिए भी बायसे रहमत है क्योंकि जब इंसान दीन को पढ़ लेता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए तो फिर क्या होता है वो सबका ख्याल रखता है सबका लिहाज रखता है वो पोल्यूशन नहीं फैलाता वो समुन्दर की मछलियों को भी ख्याल करता है वो चूंटियों का भी ख्याल करता है वो पौधों का भी ख्याल करता है वो हर मखलूक के लिए खैर खा होता है कह दीजिए बेशक मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है तो क्या तुम उसके फर्मा बरदार हो फिर भी अगर वो मुंह मोड़ ले तो कह दीजिए मैंने तुम सबको यकसा तौर पर खबरदार कर दिया है और मैं नहीं जानता आया कि वो करीब है या दूर जिसका तुम वादा किए जाते हो बेशक वो बुलंद आवाज से कही हुई बात को भी जानता है और वो भी जानता है जिसे तुम छुपाते हो और मैं नहीं जानता शायद की मोहलत तुम्हारे लिए आजमाइश हो और एक मुद्दत तक कुछ फायदा उठाना हो उसने कहा अः मेरे रब हक के साथ फैसला फरमा दे और हमारा रब रहमान है जिससे मदद तलब की जाती है उस पर जो तुम बयान करते हो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का हाफ़ जूज हो गया अब आप लोग ब्रेक टाइम आप लोगों का ब्रेक टाइम है और आ, स्ट्रेच कर लें टू मिनट्स की ब्रेक है आप लोग स्ट्रेच करें और फ्रेश अप होके टू मिनट्स के बाद आ जाएँ ठीक है अल्लामक व बरकातहू

चले अब हमारी दूसरी दूसरी सुर स्टार्ट होगी सुरतुल हज हज क्या है हज अल्लाह की पुकार है और उसका तकाजा क्या है जब अल्लाह हमें पुकारते हैं तो उसका तकाजा क्या है और वो कैसी पुकार है अल्लाह का हुक्म हो या कुरान की पुकार हो या दाव दावत हो उस सब का तकाजा क्या है कि हम आजी इख्तियार करें आजजी इख्तियार करने वाले मुखबतीन होते हैं अल्लाह के आगे झुकने वाले होते हैं इनकी आपने लिखनी है पीछे आपने अभी अंबिया की सिफात देखी उनमें से आप लोगों ने पॉइंट्स निकाले अपने लिए जब भी किसी नबी का जिक्र आता है उसमें से आप उनकी क्वालिटीज पिक किया करें क्योंकि यही हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं पीछे आपने फरिश्तों का पढ़ा उनकी भी क्वालिटीज पढ़ी ठीक है तो मुखदिन फिर कैसे बनते हैं उन्ही क्वालिटीज हम वो क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करते हैं और फिर इंसान के अंदर आजजी आती है और आजजी रूह है इबादत की तोहेद की अल्लाह से ताल्लुक़ की अगर ये आजजी ना हो तो उसकी जगह क्या जन्म लेती है तकबर ये दिल की बीमारी है बदतरीन बीमारी है क्यामत वाले दिन ऐसे लोग चूंटियों की शक्लों में उठाए जाएंगे तो मुतकबरीन क्या कैसे होते हैं आई एम द बेस्ट मैं बेस्ट हूँ मेरी सोच बेस्ट है मेरा तरीका बेस्ट है वो हर चीज में अपने आप को हर एक से बेहतर समझते हैं और तकबर स्टार्ट स्टार्ट कैसे होता है अजुब से वन यू आर इमेज बाई योर सेल्फ अपने आप से अमेज होने लगे अपनी कोई चीज अच्छी लगने लगी वहीं पे फुल स्टॉप वहीं पे रुक जाना है वहीं पे क्या कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन कैसा होता है जब उसको कोई खैर मिलती है कोई नेमत मिलती है तो वो शुक्र गुजार बंदा होता है मुतकबरीन क्या इनकी खसलत होती है ये गैर अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं अल्लाह के बजाय ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि अल हज है क्या हज क्या है इसकी रूह क्या है इसका मकसद क्या है और ये रब की पहचान का सफर है जो हमारी फितरा में है अल्लाह की मोहब्बत हमारी फितरा में है हमारी जरूरत है ठीक है चलेंगे। स्टार्ट करते हैं मुखबिन को अपने जहन में आप लोगों ने रखने ठीक और आजजी को आजजी क्या है कैसे आती है बिस्मिल्ला سوره الحج بسم الله الرحمن الرحيم या इन्ना ए लोगो अपने रब से डरो का जलजला बहुत बड़ी चीज है उससे गफलत इख्तियार न करना दिन ब दिन करीब आता जा रहा है जिस दिन तुम उसे देखोगे हर दूध पिलाने वाली उस बच्चे से गाफिल हो जाएगी जिसे उसने दूध पिलाया और हल हमल वाली अपना हमल गिरा देगी और आप लोगों को यूं देखेंगे कि वो नशे में हैं हालांकि वो नशे में नहीं होंगे लेकिन अल्लाह का अजाब भी बहुत सख्त होगा यानी उस दिन लोगों पर सख्त खौफ दहशत और घबराहट तारी होगी या क्यामत से कबल होगा और फिर उसके साथ ही दुनिया फना हो जाएगी या फिर क्यामत के बाद उस वक्त होगा जब कब्रों से उठकर लोग मैदान हशर में जमा हो रहे होंगे और लोगों के ऊपर शदीद खौफ तारी होगा और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो अल्लाह के बारे में इल्म के बगैर झगड़ा करता है और वो हर सरकश शैतान की पैरवी करता है उस पर लिख दिया गया कि जो कोई उसे दोस्त बनाएगा तो यकीनन वो उसे भटका देगा और उसको दोजक के अजाब की राह दिखाएगा यानी शैतान से दोस्ती करने वाले को शैतान गुमराह कर देगा तो हर हाल में उसकी मुखालफत करनी चाहिए उसकी बात नहीं माननी चाहिए या यान्नास ए लोगो अगर तुम दोबारा उठाए जाने के बारे में किसी शक में मुबतला हो तो बेशक हमने तुम्हें मट्टी से पैदा किया फिर नुतफे से फिर जमे हुए खून से फिर शक्ल वाली और बेशक्ल गोश्त की बोटी से ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत वाजे कर दे और हम जिसे चाहते है एक मुकर्र वक्त तक रह मादर में ठहराते हैं फिर हम तुम्हे बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुँचो और कोई तुम में से जल्द फौत कर लिया जाता है और कोई तुम में से नाकारा उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि वो जानने के बाद कुछ भी न जाने और आप देखते हैं कि जमीन खुश्क है फिर जब हम इस पर पानी बरसाते हैं तो वो हरकत में आ जाती है और उभर आती है और हर किस्म की बारौनक नबातात उगाती है तो जो जात इंसान को पैदा करने पर कादिर है माँ के पेट से बाहर लाने पर कादिर है वो ज़ात इंसान को मरने के बाद कब्रों से दोबारा निकालने पर भी कादिर है जो जात ज़ुश्क जमीन के ऊपर पानी बरसा कर वहाँ से बारौनक नबाता उगा सकती है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो तुम्हे दोबारा इसी जमीन से निकाल ले मिन खलक नाकुम व फीहा नोदुम व मिनह नुखर जुकुम तारतन उखरा इसी बट्टी से तुम्हे पैदा किया इसी में वापस जाओगे और इसी से तुम दोबारा उठाए जाओगे मफूम है तर्जमा नहीं और यह जो आता ना कि कोई अरजल की तरफ लौटा दिया जाता है तो इससे पनाह मांगनी चाहिए कदीर ये सब इसलिए है की अल्लाह ही हक है और यह की वही मुर्दों को जिंदा करेगा और ये की वो हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है यानी अल्लाह हर चीज पर कादिर है जो चाहे कर सकता है और ये कि क्यामत की घड़ी आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं और ये अल्लाह उन्हें जो कब्रों में है दोबारा उठाएगा यानी जो जिस हाल में भी होगा वैसा ही उठाया जाएगा तो अच्छे खात्मे की भी दुआ करनी चाहिए और अच्छे कामों की तरफ दौड़ना चाहिए ताकि क्यामत के दिन अच्छे अमाल के साथ उठे और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो अल्लाह के बारे में इल्म हिदायत और रोशनी देने वाली किताब के बगैर झगड़ा करता है यानी बाज लोग इन चीजों के बगैर खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी करते हैं तो इल्म से मुराद गौर और फिक्र के बगैर समझ में आने वाली दलील है और हदा से मुराद गौर और फिक्र से हासिल होने वाली दलील है और किताब मुनीर से मुराद आसमान से नाजिल होने वाली किताबों में जो अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं वो मुराद है सानिया इतफी ही लियो दिल्ला जो घुमंड में अपना पहलू मोड़ने वाला है ताकि अल्लाह के रास्ते से भटका दे उसके लिए दुनिया में एक रसवाई है और क्यामत के दिन हम उसे जलती हुई आग का अजाब चखाएंगे यानी जो शख्स तकबर की वजह से अपना पहलू मोड़ता है और अल्लाह के रास्ते से गुमराह करता है तो उसके लिए दुनिया में भी रसवाई है और क्यामत के दिन बहुत बड़ी सजा है क्योंकि वो को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता ये इस वजह से है जो तेरे दोनों हाथों ने आगे भेजा था और ये इसलिए कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं वो मिनन्ना सिमय अब अला हर्फ और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो किनारे पर रह के अल्लाह की इबादत अल्ला करता है यानी दीन के अंदर पूरा दाखिल नहीं होता और से सुन लीजिए किनारे किनारे पर एज पर बस खड़ा है कि बस हाँ नाम का मुसलमान है फिर अगर उसे कोई भलाई पहुंचती है इस्लाम कबूल करने के बाद दीन में आने के बाद तो उस पर वो मुतमिन हो जाता है और अगर उसे कोई आजमाइश आ पहुँचा तो वो मुंह मोड़ जाता है અને કુછ લોગ હોતે હે ને કે કુરાન ક્લાસીસ મે શોક સે આતે હે લેકિન પૂરી તરહ ઇન નહી હોતે અગર અલ્લાહ ના કરે રાસ્તે મે કાર કો કુછ હો ગયા يا કોઈ ઓર નુકસાન હો ગયા વો પલટ કે નહી આતે કે હમે તો યે સૂટ ही નહી કિયા હમ યે સફર હમારે લિયે નહૂસત કા બાયસ ہوا નવઝુ બિલ્લા સમજતે હે લોગસ ઉસ જમાને મે ભી કુછ લોગ મુસલમાન હોતે થે અગર ઉનકા કોઈ નુકસાન હો જાતા તો તો વાપસ પલટ જાતે મુરતદ હો જાતે અગર ઉસે કોઈ ભલાઈ પહોંચતી હૈ તો ઉસ પર મુતમાઇન હો જાતા હૈ और अगर उसे कोई आजमाइश आ पहुंचे तो मुंह मुड़ जाता है उसने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया यही खुला खसारा है यानी फायदे के वक्त दीन में आ जाना और तकलीफ में मुर्तद हो जाना जैसे बाज आराबी किया करते थे दुनिया के फायदे देख कर या दुनिया के फायदों के लिए इबादत करना नमाज पढ़ना उमरा वगैरह करना और अगर मकसद पूरा न हो तकलीफ न जाए तो बंदगी भी छोड़ देना नमाजें भी छोड़ देना उम्र भी छोड़ देना तो याद रखिए कमजोर ईमान वाले आजमाइश के वक्त कायम नहीं रह सकते उनको इस्तेमाल हासिल नहीं हो सकती वो अल्लाह के सिवा उस चीज को पुकारता है जो न उसे नुकसान दे सकती है और न ही कोई फायदा यही दूर की गुमराही है वो उसे पुकारता है जिसका नुकसान यकीन उसके नफा से करीब तर है यकीन वो बहुत बुरा दोस्त और बहुत बुरा साथी है आमन आमसिहा बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए अल्लाह उनको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी बेशक अल्लाह जो इरादा करता है वो करके रहता है यानी अल्लाह के लामहदूद है अनलिमिटेड है और कोई उसके काम में रुकावट नहीं डाल सकता वो जो चाहता है करता है इन अल्लाह या फालू मा यूरीद और फिर यह भी कि अल्लाह के फैसले के आगे कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं रखता मन का नही फिर दुनिया वाल आखिरा जो कोई ये गुमान रखता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इस रसूल की हरगिज कोई मदद नहीं करेगा तो उसे चाहिए कि वो आसमान तक एक लंबी रस्सी तान ले फिर चाहिए कि वो अपने गले से उसको काट डाले फिर देखे क्या वाकई उसकी ये तदबीर उस चीज को ले जाती है जो उसे गुस्सा दिलाती है यानी जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नहीं करेगा तो फिर वो क्या करे छत से एक रस्सी बांधे फिर रस्सी के साथ फांसी लगा के अपना गला घूटे और मर जाए और देखे कि क्या ऐसा करने से उसके गुस्से की आग बुझी है कि नहीं बुझी अभी भी तो जो अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद होने पर उनके सीने में भड़क रही है क्या वो आग ठंडी हुई बात यह है कि अल्लाह ताला की नुसरत का एक वक्त मुकर्र है हर चीज का एक वक्त है किसी चीज में देर का मतलब यह नहीं कि वो काम होगा ही नहीं उसके होने में देर है लेकिन हम जल्दबाज होते हैं पिछली आयत में था ना नाबु अला हरफ उससे भी यही बात बाजे हो रही है वह कजाली का यह मयूरीद और इसी तरह हमने इस कुरान को वाज आयात की सूरत में नाजिल किया है और ये की अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है यानी अल्लाह तला ने इसमें तरह तरह के रोशन दलायल रखे हैं दीना आमनूीना हादू बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बन गए और साबी और नसारा और मजूसी और वो जिन्होंने शिर किया यकीनन अल्लाह इन सब के दरमियान क्यामत के दिन फैसला कर देगा बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब गवाह है यानी झगड़ा करने वालों के दरमियान अल्लाह ताला क्यामत के दिन फैसला करेगा और फैसला क्या होगा कि जन्नत में जाने के लायक है या जहन्नम के काबिल है क्या आपने देखा नहीं कि अल्ला ही के लिए सजदा कर रहे हैं वो सब जो आसमानों में है और जो जमीन में है और 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 पहाड़ और दरख्त और चौपाए और हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है और जिसे अल्लाह रसवा कर दे फिर उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं बेश अल्लाह वही करता है जो वो चाहता है तो इससे पता चलता है कायनात की हर चीज सिर्फ अल्लाह को सजदा करने पर मुत्तफिक है और गैर अल्लाह को पुकारना और उसके लिए सजदा करना अजाब का बायस है याद रखिए सजदा करना अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पर अल्लाह के लिए सजदों की कसरत लाजिम है तुम जब भी कोई सजदा करते हो तो अल्लाह उस सजदे के सबब से तुम्हारा एक दर्जा बढ़ा देते हैं और इसके जरिए तुम्हारी एक खता मिटा देते हैं ये दो झगड़ने वाले हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया तो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के कपड़े काटे जा चुके हैं उनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी उंडेला जाएगा तो कुफर की सूरतों में से एक सूरत अल्लाह के बारे में झगड़ा करना है और दूसरी बात यहां कही गई कि कुफार के लिए आखरत में आग के कपड़ों का अजाब यकीनी अमर है वो कपड़े तैयार किए जा चुके हैं उससे जो कुछ उनके पेटों में है और खा लें पिघला दी जाएगी इतनी सख्त आग है क्योंकि उनके सरों पर मुसलसल खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिसकी वजह से पेट और उसके अंदर की चीजें पिघल कर बाहर आ जाएंगी उनकी खालें भी पिघल जाएंगी और यह अजाब मुसलसल उन पर जारी रहेगा हत्ता कि उनकी खालें गल सड़ जाएंगी और अल्लाह ताला फिर उस खाल को तब्दील कर देगा एक रिवायत में मैंने पढ़ा था कि सत्तर हजार दफा एक दिन में खाल तब्दील होगी वाम यूमिन हदीद और उनके लिए लोहे के हथौड़े होंगे लोहे के डंडे पड़ रहे होके अब देखिए कि एक लकड़ी का डंडा भी पड़े तो कितना सख्त लगता है कहा यह कि कोई लोहे से मारे किसी को कभी आपने देखा होगा कि, कि लोहे की कोई चीज आपके पाव पे गिर जाती है या हाथ से या आपकी कोनी टकरा जाती है किस शिद्दत की दर्द होती है तो एक तरफ आग और दूसरी तरफ ऊपर से लोहे के साथ मार पिटाई जब कभी गम की वजह से वो उससे निकलना चाहेंगे उसी में वापस पलटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा चखो जलती आग का अजाब इनखिल्लात जन्नात।, जन्नात इन तजरी और उन्होंने नए कमल किए अल्लाह उन्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी वो उनमे सोने और मोती के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे और उसमे उनका लिबास रेशम का होगा पहली अगर न मानने वालों का अंजाम आग है तो मानने वालों के लिए कैसी कैसी खुशखबरियाँ हैं कैसी कैसी नियमते हैं जन्नत में सोने के कंगन और रेशम का लिबास उनके लिए कहा गया यानी ईमान वालों को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा और उनको जहन्नम में और वो जहन्नम से निकल ना सकेंगे और जन्नत वाले जन्नत से निकलना ही नहीं चाहेंगे वो चाहेंगे निकल ना सकेंगे यहां तजरी में तहतेल अनहार जन्नत में पानी की गहरे बहरी होगी और जहन्नम में उनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा पानी वहां भी है इनका लिबास हरीर का है उनके लिबास आग का हरीद यानी रेशम का जन्नत वालों का लिबास रेशम का होगा और जहन्नम वालों का लिबास आग का काटा गया है यो हल्लाफी मिन असाबिर मिन जहब जन्नत वालों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और जहन्नम वालों को लोहे के हथौड़े मारे जाएंगे जन्नत वालों को तय्यिब कौल अलक् बात की तरफ रहनुमाई दी जाएगी सलाम किया जाएगा और जहन्नम वालों को क्या कहा जाएगा जुको अजाबल हरीफ जलने का अजाब चखो एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है जो दोनों के साथ की जाएगी बहुदू अलबिम बहूदू अलाद वो बात की तरफ हिदायत किए गए और तमाम तारीफों माले रब के रास्ते की तरफ रहनुमाई किए गए दुनिया में तय्यब कौल से मुराद कलम तोहहीद है यानी उन्होंने ला पढ़ा ईवान ले आए और आखरत में तय्यब कौल से मुराद पाकिजा गुफ्तगु सलाम और अल्लाह की हमद और तस्बी जहले जन्नत करेंगे यानी उनको रहनुमाई कर दी जाएगी अब जन्नत में का कैसे करना है और उनकी में हम्द की से उनको सिरातल हमीद की रहनुमाई मिली बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और वो अल्लाह के रास्ते से और मसद हराम से रोकते हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए मसावी बनाया है हाँ वो इस मक्का के बाशिंदे हों या बाहर से आने वाले और जो कोई इसमें किसी जुल्म के साथ कज का इरादा करेगा तो हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे यानी जो मस्जिद हराम से रोके उनके लिए भी सख्त सजा है क्योंकि मस्जिद हराम में इबादत करना सब लोगों का हक है और जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्ला की जगह मुकर कर दी इस हुक्म के साथ कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क्याम करने वालों और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना इस दुनिया में सबसे पहला घर वो कौन सा था बैतुल्ला काबा शरीफ अल्लाह ताला ने काबा को बैती ही कहा है, मेरा घर और उसको पाक साफ रखने का भी हुक्म दिया है ये सिर्फ इब्राहिम और इस्माइल अलैहि सलाम की जिम्मेदारी नहीं थी यह आजकल वहां के क्लीनर्स की जिम्मेदारी नहीं ये हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के घर जाते हुए चाहे वो घर हो वहां या दुनिया में कोई भी मस्जिद हो उसे कैसे रखे पाक साफ रखें आजकल आप देखें कि क्योंकि रमजान का महीना है लोग मस्जिदों में इफ्तार वगैरह भी करते हैं या बाजुकत मस्जिदों में प्रोग्राम होते हैं और उसके बाद खाना दिया जाता है हम सबको सोचना चाहिए और हम सब ने ऐसे नज़ारे देखे हैं कि लोग उस खाने की वजह से मस्जिद का फिर हाल क्या करते हैं और खास तौर पर बच्चे बच्चों को वो मस्जिद में लाते हैं किस लिए मस्जिद में क्यों लाया जाता है तो वहां जाकर कोई अदब सीखे अल्लाह का कुर्ब सीखे कि अल्लाह के करीब कैसे होना है और मस्जिद में कैसे बिहेव करना है लेकिन आमतौर पर यहाँ लोगों के घर छोटे होते हैं बाहर बर्फ पड़ी हुई है लिहाजा मस्जिद को वो क्या बना लेते हैं प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड बना के फिर खाना हाथ में पकड़ेंगे कुछ नैक हाथ में ले लेंगे और दौड़ना शुरू कर देंगे और पूरी मस्जिद नवाजियों की नमाज के लिए सत्यानाश कर देंगे अगर किसी बच्चे को रोका जाए तो माँ बाप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो उल्टा नाराज होने लगते हैं कि ऐसा कहा ही क्यों गया ठीक है दोनों तरफ की बात करूंगी समझाने वालों को बहुत प्यार से बहुत अदब से सब मिलके ऐसे वॉलंटियर्स होने चाहिए कि जो आने वाले बच्चों को आने के बाद मस्जिद का अदब बताएं क्या यहाँ जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रे बताए जाते हैं क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन रे लिख के क्लासरूम में लगाए जाते हैं सब जानते हैं ना जो भी इस सिस्टम से वाकिफ है क्या उनको रिमाइंडर दिए जाते हैं तो फिर हम घरों से बच्चों को लाते वक्त उनको अदब क्यों नहीं सिखाते हम उन्हें क्यों नहीं रास्ते में गाड़ी में बताते हम अल्लाह के घर जा रहे हैं हमें अल्लाह के घर से अपने घर से ज्यादा प्यार करना है हमें अल्लाह के घर को साफ रखना है हमने अल्लाह के घर में चीखना चिल्लाना नहीं हमने अल्लाह के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना हमने अल्लाह के घर में खाना नहीं बखेरना हमने अल्लाह के घर में नमाज के वक्त शोर नहीं मचाना हमने नमाज के वक्त नमाज में शामिल होना है और अगर नमाज नहीं पढ़नी तो आराम से बैठना है ये तमाम माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो बच्चों को मस्जिद भी लेकर जाए लेकिन उसके आदाब भी सिखाए मस्जिद को प्ले ग्राउंड नहीं बनाए वह अब या अतुकर अतीना मिन कुल्ल फ अमीक और लोगों में हज का ऐलान कर दो वो तेरे पास पैदल चलकर और हर लागर ऊंट पर हर दूर दराज पहाड़ी रास्ते से आएंगे हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया कि वो ऐलान करे अब आप देखिए उस जमाने कोई मीडिया नहीं था कि जिसके जरिए वो सब तक पैगाम पहुंचता उन्होंने अपनी सिंपल आवाज में पुकारा लोगों को कि आओ लोगो हज करो और देखे आज तक उस आवाज की बाज है लोग शौक से हर साल लाखों की तादाद में वहां जमा होते हैं अब देखिए अगर आपके लोगों को अल्लाह की तरह पुकारने में अल्लाह के घर की दावत देने में इखलास है ना तो हो सकता है आपकी जिंदगी में वो आपकी बात ना सुने आपके सामने आपका बैग ना कहे लेकिन किसी वक्त वो भी आ जाएंगे और हो सकता है कि फिर वो नहीं तो उनकी औलादों में से या आगे की नस्लों में से यानी आपकी ये कोशिश जाया नहीं जाएगी इन अल्लाह ला अजर मोहसिन आपकी अच्छी कही हुई बात कहीं ना कहीं जाकर असर करेगी चाहे आपके पास कोई वसाइल नहीं कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं लेकिन इखलास की दौलत अल्लाह सुबान की पहचान अल्लाह सुबान के साथ ताल्लुक की नियमत तो है ना दुआओं की तोफीक तो है ना तो जो भी करना चाहते हैं करते रहिए नतयज के ऊपर मत जाइए कि ये इस चीज का इतना नतीजा निकला लिहाजा ये काम करूंगी और ये नतीजा नहीं निकल रहा तो काम नहीं करना नहीं जो अच्छा काम करना है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है बस बुलाना है ताकि वो अपने लिए बहुत से फायदे देख सकें और मालूम दिनों में इन मुशी जानवरों पर अल्लाह का नाम जिक्र करे जो उसने उन्हें अता किए हैं तो उसमें से खाओ और भूखे मोहताज को भी खिलाओ यानी हरम में जाकर सिर्फ इबादत नहीं बल्कि और भी बहुत सी चीजें देखे ताकि ईमान बढ़े फिर चाहिए कि वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का खूब तवाफ करे यानी वहां की जो अहम तरीन इबादत है वो तवाफ है नवाफिल भी पढ़े लेकिन तवाफ ज्यादा क्यों इसलिए कि तवाफ हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते वहीं हो सकता है तो उस चांस को खूब खूब अवेल करें खासतौर पर अगर आप जवानी के उम्र में जा रहे हैं अल्लाह के घर यह हुक्म दिया गया है और जो अल्लाह की हरमतों की ताजीम करे तो ये उसके लिए उसके रब के हाँ बेहतर है और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हे पढ़कर सुनाए जाते हैं बस बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात से भी इज्तनाब करो अस्तगफिरुल्लाह अल्ला के लिए यकसू होकर उसके साथ किसी को शरीक न करने वाले और जो कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा फिर परिंदे उसे उछक ले जाएं या हवा उसे किसी दूर दराज जगह में गिरा दे शिर करने वाला आसमान से गिरने वाले परिंदे की तरह है कि जो फिर हलाकत में जा पड़ता है ये इस तरह है और जो कोई अल्लाह की निशानियों की तजीम करता है तो यकीन ये दिलों के तकवा में से है यानी शायर अल्लाह की ताज़ीम बताती है कि इंसान का अल्लाह से मजबूत ताल्लुक है तुम्हारे लिए उन चुपायों में एक मुकर्र वक्त तक कुछ फायदे हैं। फिर उनके हलाल होने की जगह उस कदीम घर की तरफ है यानी जानवरों में अल्लाह तला ने इंसानों के लिए बहुत से फायदे रख दिए हैं और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक तरीका मुकरर किया है ताकि वो इन मुवेशी जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उन्हें अता किए है बस तुम्हारा मबूद एक ही मबूद है लिहाजा तुम उसी के फर्मा बरदार बन जाओ और आजी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए यहाँ भी पता चल रहा है अल्लाह का नाम लिया जाए मुखबिन वो लोग जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं और जो मुसीबत उन्हें आ पहुँचती है उस पर सबर करने वाले है और नमाज कायम करने वाले है और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं ये चार सिफात है अल्लाह के सामने झुकने वालों की आजी करने वालों की और कुर्बानी के बड़े जानवर हमने उन्हें तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां बनाया है उनमें तुम्हारे लिए बहुत भलाई है बस उन्हें सब बस्ता खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो फिर जब उनके पहलू जमीन पर लग जाए तो उनमें से कुछ खाओ और कनात करने वाले और सवाल करने वाले को भी खिलाओ इसी तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मुसखर किया है ताकि तुम शुक्र अदा करो यानी ऊंट को लिटा के जबा नहीं किया जाता खड़ा करके नहर किया जाता है और फिर अल्लाह का नाम लेकर नहर करना चाहिए और जब नहर कर चुको तो फिर गोश्त भी खाओ ये नहीं कि हमने तो अल्लाह के नाम पे किया जो मर्जी उठा के ले जाए यानी उसको पकाओ भी खाओ भी और खिलाओ भी नहीं अल्लाह वो लादिमाऊ अल्लाह को ना तो उनके गोश्त पहुंचते हैं और ना ही उनके खून लेकिन उसको तुम्हारा तकवा पहुंचता है इसी तरह उसने उन्हें तुम्हारे लिए मुसखर किया है ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो उसने तुम्हें हिदायत दी और नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए यानी दिल के तकवा के साथ कुर्बानी करने का हुक्म है और तकबीर कह के अल्लाह की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करना है आमनू। ला कफूर। बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफा करता है जो ईमान लाए बेशक अल्लाह किसी खयानकार बहुत नाशुकरे को पसंद नहीं करता अल्लाह ताला हमसे ये दोनों चीजें दूर कर दे जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें इजाजत दे दी गई है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है यानी उनसे जंग की जा रही है तो उन्हें भी इजाजत दे दी गई है कि वो भी बदला ले सके पहले इससे मना किया गया था और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर खूब ही कुदरत रखने वाला है यानी ईमान वालों की तादाद अगरचे कम है लेकिन अल्लाह ताला उनको गालिब कर सकता है ये वो लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अपने घरों से निकाले गए कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दूर ना करता तो खानकाहे और गिरजे और यहूद की इबादत गाहे और वो जरूर मनहदम कर दी जाती जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत दिया जाता है और यकीन अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करता है कितना पक्का वादा है बा कसम के लिए लाम ताक़ीद के लिए नून मुशद्द ताकित के लिए फिर भी यकीन नहीं आता कि अगर हम अल्लाह के दिन की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद हो जाएगी दुनिया में भी और आखरत में भी ये पक्का यकीन हो जिसको तो वो अल्लाह के दिन की, की खिदमत के लिए अपने आप को हर जगह पेश कर देता है बेशक अल्लाह यकीन बहुत कुत वाला बहुत जबरदस्त है अल्ला दीना वाह ये ऐसे लोग हैं कि अगर हम उन्हें जमीन में इतदार दें तो ये नमाज कायम करेंगे और जक़ात अदा करेंगे और नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे और तमाम कामों का अंजाम कार अल्ला ही के इख्तियार में है और अगर ये लोग आपको जुटलाते हैं तो इनसे पहले कौम आद और समूद भी जुटला चुके हैं यानी अपने अपने पैगम्बरों को उन्होंने जुटला दिया था वो कौम लूत और कौम इब्राहिम और कौम लूत ने भी जुटलाया था वो असहाब मदियन और मदियन के रहने वालों ने भी जुटलाया और मूसा भी जुटलाए गए तो मैंने काफिरों को मोहलत दी फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो कैसा था मेरा अजाब यानी फिर देखो इन सब कॉमो का हाल क्या हुआ इन्हें जुटलाने का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ उल्टा नुकसान ही हुआ फिर कितनी ही बस्तिया थी जिन्हें हमने हलाक कर दिया जबकि वो जालिम थी तो वो अपनी छतों पर ऊंधी गिरी पड़ी है और कितने ही कुएं बेकार और पुख्ता महल वीरान पड़े हैं यानी अजाब आने के बाद फिर उन बस्तियों में आज तक कोई रहा बसा नहीं अल्लाह ने उनको मोहलत भी दी अगर वो फायदा उठा के ईमान ले आते तो बच जाते लेकिन उन्होंने कुछ फायदा नहीं उठाया क्या भला ये जमीन में चले फिरे नहीं कि इनके लिए ऐसे दिल होते जिनके साथ ये समझते या ऐसे कान होते जिनसे ये सुन सकते बस बेशक बात यह है कि आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है एक में तथात और नसीहत के लिए सफर करने का हुक्म दिया जा रहा है अफलम सीरू फिलत और फिर जमीन में कहीं भी इंसान सफर करके जाए वोकेशन पर जाए या किसी खास इबादत के लिए जैसे मक्का या मदीना वगैरह जाए तो इंसान को सफर के दौरान गौर व फिक्र जरूर करना चाहिए और वो भी नतीजा खेज गौरव फिकर क्योंकि अल्लाह ने यह दिल इसीलिए दिया है कि हम जब आंखों से कुछ देखें और कानों से सुने तो फिर इससे भी काम लें और इससे असल में लेने का काम क्या है कि नसीहत हासिल करें लेकिन जिसका दिल बसीरत से खाली होता है वो नसीहत हासिल नहीं करता क्योंकि एक है आंखों की बिनाई और एक है दिल की बिनाई तो जिसका दिल बिना नहीं वो बड़ी से बड़ी निशानी देखकर भी कोई सबक नहीं हासिल करता और ये आपसे अजाब जल्दी मांगते हैं अल्लाह हरगिज अपने वादे के खिलाफ ना करेगा और बेशक आपके रब के नजदीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एक हजार साल के बराबर है और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें मैंने ढील दी जबकि वो जुल्म कर रही थी फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है यानी अजाब देने से पहले अल्लाह का, का कानून मोहलत काम करता है मोहलत दी जाती है ताकि लोग बाज आ जाए उलिया कह दीजिए लोगों मैं तो तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ यानी मैं अजाब लाने वाला नहीं हूँ बस कुलम कुला डराने वाला हूँ खबरदार करने वाला हूँ बस वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नए कमल किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत वाला रिस्क है बख्शिश और इज्जत वाला रिस्क है दुनिया में भी और आखिरत में भी क्योंकि वोमिन जो है फिर वो सिर्फ हलाल की तरफ जाता है जो सिर्फ उसका हक होता है और वो लोग जो हमारी आयत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं यही लोग जहन्नम के साथी हैं और हमने आपसे पहले भी जिस रसूल और नबी को भेजा जब उसने कोई तमन्ना की तो शैतान ने उसकी तमन्ना में खलड़ डाल दिया बस जो कुछ शैतान डालता है अल्लाह उसे मिटा देता है फिर अल्लाह अपनी आयत को मजबूत करता है और अल्लाह खूब इल्म वाला खूब हमत वाला है यानी अल्लाह ताला हमेशा शैतान की डाली हुई रुकावटों को दूर करके दीन का काम पूरा कर देता है जितना वो चाहता है और शैतान का काम भी यही है कि वो अल्लाह की आयत के बारे में शकुक शुभात पैदा करता है लेकिन जो लोग हिदायत चाहते हैं फिर अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देता है लिया शैतान फी कुलूबिहिम जो खलल शैतान डालता है वो उसे उन लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त है और बेशक जालिम लोग दूर की मुखालत में है किन के दिल सख्त जो कुफर इख्तियार करते हैं और बीमारी किन के दिलों मुनाफिक में, तो में पड़ जाते हैं और ताकि वो लोग हैं जान ले रब की तरफ से हक है तो वो इस पर ईमान ले आए फिर इनके दिल भी उसके लिए आजी करें और बेशक अल्लाह उन लोगों की जो ईमान लाए सीधे रस्ते की तरफ जरूर रहनुमाई करने वाला है यानी ईमान वाले जो है वो शैतान के शकुश से बच जाते हैं या फिर आ जाए कोई शक तो अल्लाह ताला उनको उससे निकाल देता है क्योंकि वो उसको रिजेक्ट करते हैं उसको अपने अंदर ठहरने नहीं देते बस बसे के आने के बाद उसको लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते और जिन लोगों ने कुफर किया वो इसकी तरफ से शक में रहेंगे यहां तक के क्यामत की घड़ी अचानक उनके पास आ जाए या उनके पास बाज कर देने वाले मनहूस दिन का अजाब आ जाए यानी तो बाज दिन क्यामत का दिन है क्योंकि उसके बाद कोई और दिन नहीं होगा अब तो हर दिन से एक और दिन निकल आता है लेकिन क्यामत के दिन आखिरी दिन इसीलिए उसको आखिरत कहा जाता है कि उससे कोई और दिन पैदा नहीं होगा बस एंड ऑफ द वर्ल्ड इज दर्ल्ड सारी बादशाह ही के लिए होगी वो उनके दरमियान फैसला करेगा तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नए कमल किए वो नेमतों वाली जन्नत में होंगे दुनिया में आरजी बादशाहत अल्लाह जिसको चाहे दे दे लेकिन क्यामत के दिन दुनिया का कोई बादशाह बादशाह नहीं होगा उस दिन बादशाहत सिर्फ अल्लाह सुबहान तला ही के लिए होगी वल्लीना कफरू व कदबू बे आयातिना व उलाम अजाब मुहिन और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयत को झुटलाया तो ऐसे लोगों के लिए रसवा कुन अजाब है वल्लीना हाजरू फी सबी तुम कुतिलू अतु लुकन्ना हसना और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की फिर वो कत्ल कर दिए गए या मर गए अल्लाह उन्हें जरूर अच्छा रिस्क अता करेगा और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतरीन देने वाला है पहले आम मोमिनों का जिक्र किया गया था अब खास मोमिनों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने वतन अपने घर बार अपने अजीज और रिश्तेदार अपने कारोबार सब कुछ छोड़ दिया और अपने ईमान को बचाने के लिए वो अपने इलाकों से निकल गए तो यहां हिजरत की शान और फजीलत बताई जा रही है कि जो हिजरत करने के बाद चाहे अल्लाह के रास्ते में मारा जाए या अपने बिस्तर पर मर जाए दोनों सूरतों में उसके लिए एक बड़ा इनाम है आखिरत के बुलंद दर्जात हैं और इसलिए भी कि अल्लाह तला खैर्राजकीन है खैर कौन होता है और अल्लाह ताला को खैर्राजकिन क्यों कहा गया क्योंकि अल्लाह ताला उनको भी देता है जो उसको नहीं मानते अगर कोई आपकी बात ना माने मसलन औलाद जिनकी नाफरमान होती है तो माँ बाप क्या करते हैं पाक कर देते हैं और वैसे भी अगर माँ बाप मुसलमान हो और औलाद मुसलमान ना हो तो उनका वैसे भी हिस्सा कुछ नहीं बनता ठीक है दुनिया में तो ये चलता है लेकिन अल्लाह सुबहान ताला इस दुनिया में ही जो लोग उसको नहीं मानते उनको भी देता है ठीक है क्योंकि वो खैर उराजकीन है दूसरा ये कि मांगे बगैर देता है क्या आपके पास जो कुछ है वो सब आपने मांगा था आज घर जाके देखिएगा कितनी चीजें आपके पास जो आपने सोची भी नहीं मांगी भी नहीं तलब भी नहीं की फिर भी अल्लाह ने आपको दी फिर बेहिसाब देता है फिर किसी से फायदे की उम्मीद या किसी से खौफ के बगैर देता है हम तो किसी को बाजू बाजुकत देते हैं ना कि इसको दें ताकि इससे को फायदा पहुंचे या फायदा पहुंचा तो दें या इसलिए दें ताकि इसके शर से बच सके लेकिन अल्लाह सुबहान तआला को तो ऐसा कोई खौफ नहीं वो तो बस दे रहा है और दे रहा है खैर राज वो जरूर उन्हें ऐसी जगह दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे और बेशक अल्लाह खूब इल्म वाला खूब हिल्म वाला है अब अपीछ रिस्कन हसना के बाद खूबसूरत रिहायश को अलग से जिक्र किया गया है मेरे खाना भी होगा और रिहायश भी ये ऐसा ही है और जो कोई बदला ले उसी की मानन जैसा वो सताया गया फिर उस पर ज्यादा की गई तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला बहुत बख्शने वाला है और इसलिए मजलूम की बदुआ से भी बचना चाहिए इसलिए कि अल्लाह ही रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और यह अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है यानी अल्लाह जो मजलूम और बेनवा की मदद करता है वो इसलिए है कि अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं वो दिन को रात रात को दिन बना देता है तो मजलूम की मदद क्यों नहीं करेगा वो जरूर करेगा और फिर ये इसलिए भी कि वो सुनने वाला है देखने वाला है वो सब देख रहा है क्या हो रहा है मजलूम के हाल से पूरी तरह वाकिफ है वो एक दिन उसकी मदद जरूर करेगा ये इसलिए कि अल्लाह ही बर हक है और जिसको भी वो उसके सिवा पुकारते हैं वो बातिल है और ये कि अल्लाह ही बहुत बुलंदर और बड़ाई वाला है और ये तीसरी वजह बताई कि ये मजलूम मुसलमानों की मदद के वादे को पूरी करने की तीसरी वजह है कि अल्लाह ही सच्चा और हक रब है इसलिए वो जिस चीज का इरादा करता है उसको कर गुजरता है लिहाजा वो अपने दोस्तों की मदद जरूर करेगा और उसके सवा जिसको भी लोग पुकारते हैं वो नाहक है और बातिल है वो खुद अपनी भी मदद नहीं कर सकता तो किसी मजलूम की क्या मदद करेगा जो बुत चल फिर नहीं सकता अगर उसके सामने कोई मजलूम आ गया तो आगे बढ़ के उसको छुड़ाएगा मदद भी नहीं करेगा तो असल महबूद अल्लाह है जो मदद कर सकता है और बातिल मबूद किसी की मदद नहीं कर सकते और फिर ये अल्लाह तला की दो सिफात बयान की गई कि अल अली है अल कबीर है इसलिए भी अल्लाह ताला मजलूम मुसलमानों की मदद जरूर करेगा और उसने की और अब भी करेगा क्या आपने देखा नहीं कि अल्लाह ही ने आसमान से पानी उतारा तो उससे जमीन सरसब्ज हो गई बेशक अल्लाह बहुत बारीक बीन खूब खबर रखने वाला है उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है आज ये बात बार बार आ रही है सब कुछ अल्लाह का है इसलिए चीजों के बारे में बहुत पोजेसिव ना हो इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत ना करें इनको जमा करें कहा के लिए आखिरत के लिए हम उनको यहीं के लिए बस जमा करते हैं और जो जमीन में है और बेशक अल्लाह वो बहुत ही बेनियाज बहुत तारीफ वाला है ये उसके कदरे मुतलक होने पर दूसरी दलील है यानी इंसान जिस चीज का मालिक होता है उसका मोहताज भी होता है है ना उसकी जरूरत भी होती है जबकि अल्लाह मोहताजी से पाक है सब कुछ उसका है, लेकिन वो इनमें से किसी चीज पर डिपेंड नहीं हत्या कि वो अर्श पर भी डिपेंडेंट नहीं और मखलूक में जिस चीज की भी तारीफ होती है जो भी उसकी खूबी है वो भी अल्लाह की दी हुई होती है अगर हमारी कोई तारीफ करता किसी भी बात पे तो सोचिए वो हमने कहाँ से ली हमें कहाँ से मिली अल्लाह ने दी तो असल तारीफ तो अल्लाह ही की है क्या आपने देखा नहीं की अल्लाह ने जमीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए मुशर कर दिया है और उन कश्तियों को भी जो समुद्र में उसके हुक्म से चलती है और वो आसमान को थामे हुए है कि ज़मीन पर न गिर पड़े, इंसान के लिए मुसक्र किया और चौथी दलील समुंदर और उससे मुत्ल चीजें भी मुसक्र है उसके हुक्म से और फिर पांचवी दलील समुंदर में जहाजों के चलने से भी ज्यादा हैरान कन आसमान नीचे न गिर पड़े उसको थामे हुए है इतने कुदरतों का मालिक अल्लाह लोगों के साथ ल रहीम है इंतहाई शफकत करने वाला बड़ा ही मेहरबान वही है जिसने तुम्हें जिंदा किया फिर वही तुम्हें मौत देगा फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा यकीन इंसान बड़ा ही नाशुकरा है यानी इन नमतों की कदर नहीं करता जो अल्लाह ने दी है ऊपर जिनका जिक्र हुआ है हालांकि नियमतें इतनी है कि तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका मुकर कर दिया है जिस पर वो चल रहे हैं बस वो इस मामले में आपसे हरगिज झगड़ा न करें और आप अपने रब की तरफ दावत दीजिए बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झगड़े से बचने का हुक्म दिया जा रहा है और याद रखिए आप भी अपनी जिंदगी में एक उसूल बना लें किसी के साथ झगड़ा ना करें बहस मुबास ना करें अगर कोई उतुला हुआ बहस मुबाससे पर तो खामोश हो जाए और अगर वो कोई बात समझना चाहता है तो तुले में उसको बात समझा दें और अगर वो आपसे झगड़ा करे तो आप कह दीजिए जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है अल्लाह क्यामत के दिन तुम्हारे दरमियान उसके बारे में फैसला कर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे क्या आप नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और जमीन में है दर हकीकत ये किताब में दर्ज है बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है यानी क्यामत को कायम करना लोगों के सारे अमाल का रिकॉर्ड रखना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं और ये अल्लाह के सिवा उसकी इबादत करते हैं जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी और न उन्हें खुद इसका कोई इल्म है और इन ालिमों के लिए कोई भी मददगार न होगा और जब इन पर हमारी वाज आयात पढ़ी जाती है तो आप कफर करने वालों के चेहरों पर नागवारी को पहचान सकते हैं करीब है कि वो हमला कर दें उन लोगों पर जो हमारी आयात उन पर पढ़ते हैं कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे भी बुरी चीज बताऊं वो आग है जिसका वादा अल्लाह ने कुफर करने वालों से कर रखा है और वो बहुत बुरा ठिकाना है या लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है बस तुम इसे गौर से सुनो बेशक वो सब जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते और अगरचे वो सब इस काम के लिए जमा हो जाएं और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो वो उससे उसे छुड़ा भी नहीं सकते कितना कमजोर है तलब करने वाला और जिससे तलब किया जाता है या, या से मुराद यहां मुश्किन है शिरक करने वालों को चैलेंज किया जा रहा है कि इस मिसाल को तवज्जो से सुनो कि अल्लाह के सिवा सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो एक मक्खी नहीं बना सकती और मक्खी अगर तुम्हारे से अगर छोटी सी कोई चीज ले जाए तो तुम वापस भी नहीं ला सकते उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है कि अल्लाह ने वकी नहीं क्या कुछ बना रखा है ये सिर्फ वही है खालिक वही है बनाने वाला बेशक अल्लाह यकीन बहुत कुत वाला बहुत जबरदस्त है तो बात यह है कि लोग अगर अल्लाह की अजमत और कवाल को जान ले अजमत और जलाल को जान ले कभी शिरक ना करें कभी किसी और की तरफ सर उठा के ना देखें यस्तफी मिनल मकती रसुलम वमिन इन्नल्लाह बसीर अल्लाह फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को चुन लेता है बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है तो बात यह है कि अल्लाह ही का फैसला होता है कि वो किससे क्या काम लेना चाहता है अल्लाह सबान ने मोहम्मद सल्लाम के दिल को सब इंसानों के दिल से बेहतरीन पाया तो उनको अपने आखिरी नब्बत के लिए चुन लिया और सहाबा के दिलों को बाकी इंसानों के मुकाबले में अच्छा पाया तो उनको अपने नबी की सोहबत के लिए चुन लिया तो अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसका दिल देखता है लिहाजा हमें भी सबसे ज्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए यहाँ क्या पकड़ा है यहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या ख्याल है अल्लाह से कितनी मोहब्बत है ईमान कितना है यकीन कितना है तबक्ल कितना है अखलास कितना है अल्लाह की खशियत कितनी है तकबा कितना है एहसान के दर्जा कैसा है ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा होता है तो अल्लाह अपने बंदों को बेहतरीन दिलों को चुन लेता है तो जितना जितना दिल अच्छा होगा खालिस अल्लाह के लिए होगा उतना ही ज्यादा अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे कामों की तौफीक भी मिलती जाएगी वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर लौटाए जाते हैं यानी कोई मुकर्रब बंदे फरिश्ते भी इस कायनात को नहीं चला सकते अल्लाह उन पर भी निगरान है और सब मामला अल्लाह की तरफ जा रहे हैं पलट कर अल्लाह को पता उनके आगे पीछे क्या है वो खुद भी नहीं जानते हमें याद रहता है हमारे माजी में क्या हुआ था और हमें पता है फ्यूचर में क्या होने वाला कुछ नहीं ऐ लोग जो ईमान लाए हो रुकू करो और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और भलाई के काम करो क्यों ताकि तुम फलाह पा जाओ कामयाब होने के लिए रुकू सजदा इबादत और निकिया ये जरूरी है ईमान लाने के बाद सबसे अहम तरीन काम यह है इसी से काफिर और मुस्लिम की पहचान है और वाल खैर इबादत के साथ हर खैर का काम हर अमल जिसकी नीयत कर ली जाए कि अल्लाह के लिए है वो इबादत बन जाता है उठना बैठना चलना फिरना लेना देना किसी की मदद करना अगर सब कुछ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है अल्लाह की खातिर है सभी इबादत है और अल्लाह की राह में जिहाद करो सख्त मेहनत करो जैसा कि जिहाद करने का हक है उसने तुम्हें चुन लिया है और दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है उसने यानी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान से पहले भी और इसमें भी ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह बनो रसूल तुम्हारे बारे में गवाही दे और तुम लोगों के ऊपर गवाह बनो बस नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो वही तुम्हारा मौला है बस कितना अच्छा दोस्त और कितना अच्छा मददगार है इस किताब के अवलीन मुखातब साहब कराम है अल्लाह ने उनको चुन लिया था किस काम के लिए अपने दीन को फैलाने के लिए दीन को कबूल करने के लिए नंबर वन फिर उसे फैलाने के लिए और फिर जो उस रास्ते में रोडे अटका रहे थे उनकी डाली हुई मुश्किलात को खत्म करने के लिए तो इस काम में वो सब लोग शामिल थे इसीलिए चंद ही सालों में इस्लाम दुनिया के मशरे को मगरब तक फैल गया और फिर उसके बाद सहाबा के बाद आप देखे ऐसे लोग आए कि जो ये काम करते रहे फिर उसमें उलमा भी आए जिन्होंने दीन को महफूज किया कुरआन को लोगों के अंदर मुंतकिल किया नबी सहादी जमा की इमाम बुखारी के हालात आपको सुनाए गए थे कितनी कितनी मेहनत की एक एक आलम ने एक एक री ने तो किस तरह ये दीन हम तक पहुंचा अगली नस्लों का क्या होगा अक्सर मैं सोचती हूं कि जिन बच्चों का दिन का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक स्कूल में गुजरता है और फिर शाम को वालदेन जॉब्स पर होते हैं बच्चे टीवी के आगे बैठे हुए हैं वीकेंड पे फिर कोई सारो तफरी के प्रोग्राम है वो बच्चे दीन किस वक्त सीखते हैं उनके ईमान की तकबीत कब होती है मस्जिदों में कितने फीसद आते हैं और न आने वालों की तादाद देखिए न घर में कुछ सीख रहे हैं कि माँ बाप को खुद दीन का नहीं पता न किसी इस्लामिक स्कूल में जा रहे हैं न किसी मस्जिद में जा रहे हैं न किसी हलका में शरीक हो रहे हैं क्या बनेगा नस्लों क्या बने सिर्फ जबानी कलामी लाला पढ़ लेना तो काफी नहीं तो इसलिए खातन के अंदर भी ऐसी खातन होनी चाहिए कि जो दीन को अच्छी तरह समझ कर दूसरों को सिखाने वाली हो ताकि अपने आस पास वालों की खबर हो अल्लाह ने अगर आपको चुन लिया ना कुरान सीखने के लिए तो अपने आप को पेश करें कि आप सिखाने वालों में भी शामिल हो और यहां इब्राहिम को बाप कहा गया है क्योंकि अरब के अक्सर लोग उन्हीं की औलाद में से थे और रूहानी तौर पर सारी उम्मत मुस्लिमा के बाप है फिर एक अहम बात यह अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है लेकिन हम मुसलमान बाद में हैं और कई और चीजें पहले तो अल्लाह ताला के इनाम पर शुक्र अदा करने का तरीका क्या है अल्लाह को मजबूती से थाम लें यानी उसके अहकाम को थाम ले उसका सहारा पकड़ें क्योंकि वो बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार है तो अल्लाह सुबहान तला से दुआ है कि हमें सही मानों में क़ुरान को सीखने की समझने की और उस पर अमल करने की तोहफी कता फरमाए तो आखिरी मैसेज देखिए सेवनटी एट आयत का पारे का आखिरी मैसेज वकीम उस सलाद व आत उसत व ये तीन काम ये तीन काम है करने के हर मुश्किल में अल्लाह को पकड़ना है अल्लाह को थामना अल्लाह के आगे फरियादे करनी हो मौलम वो असल मौला है वो काम बनाने वाला है नेमल मौला व नसीर उससे अच्छा कोई मौला नहीं वो सबसे बेहतरीन मददगार है तो उसे छोड़ के कहाँ जाना है तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इन चीज़ों पर अमल कर सकें व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व व बरकातुहू वरिवरकू जी कितना कुछ सीखने को मिला क्या कुछ सीखा क्या सीखा टाइप करते जाए क्या सीखा कि, कितनी बातें थी इसमें सीखने की कितना ये ईमान अफरोज पा रहा था आपने फील किया आपका ईमान बड़ा आपको अल्लाह का कुर मिला के तरीके मिले गए चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं अल्लाह को मजबूती से थामना है अल्लाह मुबारक सिस्टर शाहिदा माशा बहुत कुछ सीखा सिस्टर मन चूजेज होम एवर ही वॉन्ट्स जी बिल्कुल अम्बिया की क्वालिटीज अल्लाह मुबारक सिस्टरों में यहिया और मुखबतीन कौन है जी हर जान को मौत का मजा चखना है इसलिए वक्साया नहीं करना अल्लाह मुबारक सिस्टर क्वालिटी ऑफ हार्ट आजजी सबर आजी करने वाले सबर करने वाले अल्लाह मुबारक जबरदस्त इसका मतलब आप लोगों की लिस्निंग बहुत अच्छी थी <laughs> हर चीज अल्लाह की है हर चीज अल्लाह की है इमानत है अल्लाह मुबारक से आजमाइश है एक्सेलेंट अल्लाह मुबारक बिल्कुल लेकिन उसमें फिर मुमिन का रवैया क्या होता है जी ठीक है जबरदस्त आंसर है आप सबके अल्लाह मुबारक चलिए थोड़ा सा करें अब हम इसका रिव्यू चलिए बसमल्ला एक नई नजर पैदा हुई वन टाइप करते जाने आपको फील हुआ आप कुछ डिफरेंट एंगल से कुछ देख रहे हैं डिफरेंट एंगल से आयात को समझ रहे हैं अल्लाह मुबारक वेरी गुड ठीक है कुरान हमें बसीर तता फरमाता है ठीक है और उससे हमारी सोच और फिकर बदलने लगती है जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है ठीक इस जुज्ज का कीवर्ड क्या था टाइप करें शुरू में जो मैंने आपको बताया था पूरे जुज का लुबे लुबाब वो क्या था अल्लाह मुबारिक तोाहद फरजाना तोहैद वेरी गुड ठीक तोहिद क्या आपने इस, इस सुरा में पढ़ा तोहहीद है क्या तोहहीद हमारा अल्लाह से एक ताल्लुक है हमारी अल्लाह अः अल्लाह की तहदानियत का इकरार है जब हमारा दिल थक जाए कि अल्लाह है और अल्लाह एक है सिर्फ एक माबूद की इबादत अब हम कहेंगे कि हम तो एक ही महबूद की इबादत करते हैं हम देखेंगे क्या क्या वाकई हम एक महबूत की इबादत करते हैं या हमने कई बुत बनाए हुए हैं अपनी जिंदगी में जिनकी हम इबादत कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक कम होता है अकीद तोहिद वीक होता है तो हमारे अंदर गफलत और तकबर आने लगता है और इनकी क्वालिटीज आपने लिख ली होंगी अब यहाँ पे हम वो रिवाइज नहीं करेंगे ये तो मैंने आपको इसलिए कहा था आप साथ बस लिखते जाए अपना मुहासबा करने के लिए मेरे अंदर गफलत की कितनी क्वालिटीज़ है और मेरे अंदर तकबर की कितनी क्वालिटीज़ है कितनी कितनी सिफात है और वो हमने अपने अंदर से निकाल ली है और तोहीद का अपोजिट शिरक है गैर अल्लाह की इबादत जो हमने इसमें थ्रू एग्जाम्पल्स पढ़ी इसमें आपने दो सूर, पढ़ी जैसे शुरू में हमने पढ़ा था अम्बिया और सुरे हज सुरहज अम्बिया का क्या था कीवर्ड वर्ड मकसद हयात जब इंसान अपने मकसद हयात को पाता है जो कहे इबादत वो अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर करता है वो एक आला मकाम हासिल करता है और अंबिया का जो रूटवर्ड है वो भी नून बाव बा और वाव है, यानी ऊंचाई, रैंक्स को कहते हैं ऊंचाई को कहते हैं तो इंसान अपना आला मकसद पा लेता है आला मकाम पा लेता है इसका तकाजा क्या होता है उसके अंदर आज आती है जो आपने शुरे सूरत हज में पढ़ी अल्लाह की पुकार अल्लाह अल्लाह की याद और अकीदा आखरत की याद अकीदा आखरत आपका स्ट्रॉग होने लगता है और आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है और इंसान बहफीन बनता है फिर इंसान के दिल जुड़ते हैं और वो अनसार्ला बनता है और अनसार्ला कैसे होते हैं सबर शुक्र करने वाले क्योंकि उन उनको खंगारने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बना उन के उन पर आजमाइशें आती हैं आजमाइश ले भी होती है दे के भी होती है जब आजमाइश न हो तो वह सबर करने वाले होते हैं जब आजमाइश देकर हो तो वो शुक्र करने वाले होते हैं फिर आपने अम्बिया की क्वालिटीज पढ़ी फरिश्तों की सिफात पढ़ी जब ये क्वालिटीज इंसान के अंदर आती हैं तो वो मुखबतीन बनते हैं अब जिस जिसने वो क्वालिटीज लिखी हैं वो घर जाके उनको रिवाइज करेंगे अपनी फैमिली के साथ रिवाइज करेंगे और शेयर करेंगे ताकि वो क्वालिटीज हमारी पूरी फैमिली में हम सब में पैदा हों ठीक है फिर आपने गफलत पढ़ा गफलत क्या है इसके आप अपने नोट्स बना लिए होंगे इनको प्लीज रिवाइज जरूर कीजिएगा कैसे आती है उसकी अलामत क्या है थ्रू आउट मेंशन होती रही हैं और इनका इंजाम क्या है असल जिंदगी है क्या हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं और असल जिंदगी क्या है अच्छा जी गफलत क्या है जब मकसद हयात से हटेंगे तो इंसान गाफिल हो जाता है तो गफलत क्या है क्या आता है आपके दिल में गफलत क्या है इसका रूट है सोया इंसान इसकानेक्टेड जिसको पता ही नहीं उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसी से वर्ड है हु कैन बी ईजिली फूल्ड जिसको आराम से फूल बनाया जा सके जिसको शैतान भी फूल बना रहा है जिसको दुनिया भी फूल बना रही है और उसका ईमान चोरी होता जा रहा है ईमान घटता जा रहा है यानी ये सोए हुए इंसान को कुछ पता नहीं कि इसके पास क्या पड़ा हुआ है और कोई उठा के ले जाए उसको पता भी ना चले ऐसे लोगों को ज़ालमीन भी कहा गया है और मुशरफी भी कहा गया है ये गफलत के अंधेरों में भटक रहे हैं और क्या वाले दिन ये जुलमत के अंधेरों में होंगे तो मकसद हयात था इसका की वर्ड हमारा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है आपने कभी सोचा हम इस दुनिया में क्यों आए हुए हैं वी आर हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पज क्या है क्या वजह है हमें क्यों पैदा किया गया हमें इबादा के लिए पैदा किया गया और इबादत के हर वो कौल हर वो फे जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए वो इबादत है सिर्फ रिचुअल्स नहीं हर वो कौल हर वो फेल जो अल्लाह अल्लाह की रजा के लिए किया जाए अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए वो इबादत है और हर नबी का क्या पैगाम था जो आपने अभी सुरंबिया में पढ़ा वो बुदू इबादत करो अपने रब की इबादत करो उन्होंने तोहिद का पैगाम दिया क्योंकि तोहहीद हमारी फितरा में है अल्लाह की पहचान हमारे अंदर स्पिरिचुअल डीएनए में प्रोग्राम हुई हुई है जब हम अल्लाह वादा करके आए थे सूर्य आराफ में आपने पढ़ा होगा इंसान इबादत क्यों नहीं करता क्यों नहीं करता अब हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह इंसान को तोहहीद पे होना चाहिए लेकिन वो तोहिद पे क्यों नहीं रहता वो शिर की तरफ क्यों जाने लगता है वो इतने खुदा क्यों बना लेता है झूठे बुध क्यों बना लेता है अपनी जिंदगी में और हमारे जिंदगी में होते हैं झूठे बुध इंसान इबादत क्यों नहीं करता क्योंकि उसके अंदर हुब्बे दुनिया आ जाता है हीडलेसनेस आती है गैर अहम चीजों में वो लग जाता है गैर अल्लाह की इबादत करने लगता है अहम मकसद से हट जाता है और ये बात और दिल में होनी चाहिए थी अल्लाह की मोहब्बत और उसके अंदर आ गई हुब्बे दुनिया हुब्बे नफ्स जो मेन टू रीजन है मुनाफ़त के जो दिलों को बीमार करते हैं ये स्पिरिचुअल इमरजेंसी है इमरजेंसी में क्या करते हैं आप फौरन स्टेप लेते हैं भाग दौड़ करते हैं एम्बुलेंस कॉल करते हैं तो फौरन कोई एक्शन लेना है क्योंकि यह ह्यूमन ट्रेजेडी है कि अल्लाह ने उसको नूर बख्शा उसकी प्रोग्रामिंग की उसको अपनी पहचान दे दी में जो आपने पढ़ा और इंसान जब रब से दूर हुआ तो वह अंधेरों में जाने लगा और उसको गुनाह करने में ऐसे लगा जैसे नाक पे मक्खी बैठ गई और उसको हटा दो साहबा कराम तो ऐसे होते थे कि गुनाह करते थे तो ऐसे फील होता था जैसे पहाड़ तले दब गए हैं तो ये है दिलों की सख्ती लहिया लहिया क्या होता है गैर अहम चीज़ों में इतना मगन हो जाना कि अहम चीज से अहम चीज के लिए वक्त ही ना रहना दुनिया में इतने मगन है हमारे घर के काम ही खत्म नहीं होते कि हमें कुरान पढ़ने का टाइम ही नहीं है क्लासेस के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास हम इतने अपने घरों को चमकाने में लगे हुए हैं और, और चीजों में लगे हुए हैं बैलेंस है हमारा दीन बैलेंस सिखाता है कुछ छोड़ने को नहीं कहता ये कहता कि आपने बैलेंस बैलेंस के साथ जिंदगी गुजारनी है जो मना कर दिया वो तो छोड़ना है और फिर इंसान के अंदर तकबर आने लगता है और तकबर वो तकबरीन कैसे होते हैं आई एम द बेस्ट वो गैर अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं और वो हक का इनकार करते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत और मबूद होते हैं वो मबूद क्या होते हैं क्या होते हैं वो झूठे खुदा कौन से हैं गैर अल्लाह की इबादत क्या है बताए कौन से हैं वो झूठे खुदा कहीं पे किसी का नफ्स बना हुआ माल बना हुआ है किसी की औलाद जी शर्क शर्क इसी को कहते हैं ना झूठे खुदा जो बन जाते हैं वेल्थ बच्चे नफस, ये तो रीजन है ना नफ्स तो रीजन है औलाद अपने घर डिग्रीज अपनी कोई भी अल्लाह ने जो नेमत दी है उस पर तो करने लग जाना अपने घर अल्लाह मुबारक, वेरी गुड ठीक है जी स्टेटस गुड स्टेटस के पीछे जाते हैं लोग अपना नाम चाहते हैं, हमें अपने आप को टटोलना है पाक साफ होके जाने हमने अल्लाह के पास जी गैर अल्लाह की मोहब्बत ऐसे दिल में आती है शिरके खफी जैसे काली रात में काली काले पत्थर पे काली चूंटी, नजर भी नहीं आता सुरह हज में आपने क्या पढ़ा अल्लाह की पुकार है अल्लाह का हुक्म अल्लाह के कुरान पे दावत इल्ला पे हमारा रवैया क्या होता है के ला अल्लाहबैक क्या होता है हमारा तकाजा क्या है इसका तकाजा क्या है हम झुक जाए ये मैं हाजिर हूं ये अल्लाह की पुकार है इंसान की पुकार नहीं है अल्लाह की पुकार है क्योंकि यही वो सफर है रब की पहचान का रोशनी का सफर है। जो हमारी फतरा में है हमारी जरूरत है ये हमारी रूह की गजा है हमारे दिल की रोशनी है ये फला का रास्ता है ये मायूसियों को खत्म कर देता है ये सफर हमें मसावत सिखाता है इतिहाद से सिखाता है हमें फोकस्ड रखता है हमें तकवा पैदा करता है बंदियों में और यही आजजी है यही आजजी का सफर है जो हमें अल्लाह के आगे झुका देता है यही मुखीन है राह को कहते हैं चूल्हा भुज गया राख है राख अल्लाह के सामने राख हो जाने है हम से हाँ रब क्या चाहता है इनकी क्या क्वालिटी होती है क्या क्वालिटीज होती हैं जी चार क्वालिटीज बताई थी ना देखिए आप लोगों ने इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं ये इनके दिल जिक्र से कांप जाते हैं ये सबर करने वाले होते हैं ये नमाज कायम करने वाले होते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले होते हैं वेरी गुड नमाज नमाज़ रुकू और सुजूद करने वाले होते हैं वेरी गुड स्पेंड करते हैं अल्लाह मबारिक। सबके आंसर्स आ एक्सलेंट बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के आंसर देख के पसंदीदा अमल कौन सा है कौन सा है पसंदीदा अमल अब हमारा दिल चाहेगा ना ईमान ताजा हो हो गया है हमने दो घंटे बैठ के कुरान सुना है हम कुछ करें कुछ करें पसंदीदा कौन सा है जो अल्लाह को बहुत पसंद है सिस्टर फरजाना अल्लाह मुबारक सजदा जिससे एक खता माफ होती है और एक दर्जा बुलंद हो जाता है इंसान का सजदे करने हमने सजदा शुक्र करें अल्लाह पे प्यार आता है सजदा करें अल्लाह से डर लगता है सजदा करें शुक्र है सजदा करें कुछ मांगना है सजदा करें सजदों की कसरत इस रमदान में सजदों की कसरत कर देनी है ये सजदा करने वाले कौन होते हैं ये वो होते हैं जो अपने सेंसेस को यूज करते हैं इल्म हासिल करते हैं गौर फिक्र करने वाले होते हैं और इनकी आंखों से आंसू बहते हैं जब ये हक को पहचानते हैं जैसे हफषा में नजाशी रदी अल्हु अनहु के आंसू बए थे जब उन्होंने हक को पहचान लिया था और इनके दिल वजिलत ओवरवे फियर को कहते हैं खशियत से इल्म से अल्लाह के दिल में आना और दब जाना उसको खशियत कहते हैं इनके दिलों में वजिलत होती है इनके दिल डर जाते हैं एक फियर होता है और ये फियर लज्जत वाला फियर है ये कोई वो नॉर्मल खौफ नहीं है जो शेर को देख के हो रहा है या कोई डर की वजह से ये कौन सा फियर होता है सुकून वाला फियर इसमें सुकून आता है खुशियत इलाही जिसमें अल्लाह की मोहब्बत मारी होती है, है इमोशनल हार्ट होता ये, और वो फिकर करते हैं अपनी तखलीक पर हम कहाँ से पैदा किए गए कहाँ जाना है कैसे पैदा किए गए हम हमारी हकीकत क्या है एक लुतफे से पैदा किए गए उछलते पानी से कहीं पे आते मिट्टी से कहीं कीचड़ से तो राब से फिर उनको पता होता है कि हमारी हर बात लिखी जा रही है वो सोच समझ के बोलते हैं बहुत ज्यादा हमने सोच समझ के बोलना है खास रोजा जो अपनी जबान कान और आम का भी ख्याल रखता है तो हर बात लिखी जा रही है जब हमें एहसास हो ना हम अल्लाह में तोले जाएंगे तो फिर हम एहतियात करेंगे और फिर यही अंसारुल्ला होते हैं जो हक का जहादी करते हैं एले जन्नत ये एले जन्नत है एहले जन्नत अल्लाह का जिक्र कैसे करेंगे नोट किया आप लोगों ने कैसे करेंगे अल्लाह का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह और और क्या करेंगे पाकिजा गुफ्तगु सलाम वेरी गुड तस्पी अल्लाह मुबारक और हमद अल्लाह की हम तस्पी सलाम और पाकिजा गुफ्तगु दुनिया में इनका कॉल क्या होगा एक तयब कॉल का आपने पढ़ा था ऐसे लोग रऊफुर अल्लाह के अल्लाह सुबहान ऐसे लोगों के लिए रऊफुर रहीम है डिटाई से गुनाह करने वालों के लिए नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हैं उनके लिए है फिर उनको स्टेबिलिटी देता है फिर वो किश्ती पानी में रहती है वो डोलती नहीं है डोलने भी लगे तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है वो हवाओं से हिलेगी लेकिन फिर स्टेबल हो जाएगी तो ये स्टेबिलिटी कौन देता है इन किश्तियों को को अर रहीम रही ठीक है तो आपने तोहीद पढ़ा था की वर्ड था अब उस इस जुज में आपने एक तैयब कॉल पढ़ा था मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसकी इस जुज की जो मुझे लगी तैयब कॉल मैं इस पे फोकस रही थी एक्सेलेंट सिस्टर सादिया साहब ला, इलाहा इला ला।, ला नहीं इला कोई इलाह इला इला अल्लाह के अलावा कोई और इला नहीं लेकिन इसके लिए फिर हमें ये पता चले कि फिर इला कौन होता है इला वो होता है जिसको देख कर अकल धंग रह जाए जिससे हम सप्रेस हो जाए जिससे हम इम्प्रेस हो जाए ठीक है जिससे हम ओवरवे हो जाए जिसकी हम इबादत करें मबूत हमने कितने मबूद बनाए हुए हैं हमने कितने बनाए हुए हैं जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं अल्लाह का वर्ड अगर हम इसके साथ अलिफ लाम लगा दें प्रॉपर नाउ इल, के साथ तो अल्लाह बन जाता है अल्लाह सिर्फ एक है ला इलाहा तो मेरा महबूत कौन है अपने महबूद का जायजा लें हमारा महबूत कौन है वन हु इज वर्शिप जिस जिससे हम अमेज हो जाए जिसकी तरफ हम रुजू करते हैं फॉर प्रोटेक्शन एंड हेल्प हर किस्म की तकलीफ में जिसकी तरफ रुजू करते हैं हम किसकी तरफ रुजू करते हैं टू फाइंड अ रेस्टिंग प्लेस एकदम करार आ जाए उसके पास जाके अल्लाह ऐसे करार आ गया हाइस्ट ऑफ हाईएस्ट एंड टू राइज अब ये क्या है किन किन चीजों से राइज अबव करना है जब हम अपने रब को जानेंगे रब की मार्फत करेंगे हासिल करेंगे उसके लिए एक चीज में आपको एक छोटा सा एक पॉइंट समझाऊंगी वो आप समझ लेंगे ना तो आपको इला का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इला वो मोहब्बत होती है जो हमें कंट्रोल कर रही होती है अब कुर्बानी दे लो अब ये कर लो अब रुक जाओ अब आगे बढ़ जाओ ये जो मोहब्बत होती है इसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल ये हमें कंट्रोल कर रही होती है ठीक है लोकस ऑफ कंट्रोल ये वो मोहब्बत है जो हमें कंट्रोल कर रही है हमें मोटिवेट कर रही है एक माँ रात को उठेगी बच्चे को दूध पिलाएगी किस लिए क्योंकि उसको एक मोहब्बत है बाप जाके बाहर कमाई कर, क्यों करके लाता है उसको अपनी फैमिली से मोहब्बत है तो मोहब्बत उसको मोटिवेट कर रही है हमें भी कोई मोहब्बत मोटिवेट कर रही है अपना जायजा लेना है सिर्फ और सिर्फ अपना वो या तो दुनिया है या आखिर अगर वो दुनिया है तो फिर उसकी नजर इंसान की सिर्फ जाहिर तक है अगर उसका मोटिव आखरा है तो उसकी नज़र फिर टनल विजन नहीं है बहुत वाइड विजन है वो बातें तक पहुंचती है फिर वो अनसीन को देखता है अनसीन पर ही मान लाता है फिर उसके अंदर बेनियाजी आती है और बेनियाजी कैसे आती है वो मैं आपको भी बताऊँगी फिर इंसान जब राइज रायफ करता है इसके अंदर बसीरत होती है जो आखरत पे नजर रखता है ये लोक, लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है ये हमें इस तरह कंट्रोल कर रहा है कि अगर फर्ज करें दुनिया की कोई एग्जाम्पल बताएं जैसे कभी लोग हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं कभी हमारे हालात कभी मटेरियलिज्म uh, कभी हमारा पास्ट तो ऐसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं अच्छी होती लेकिन अगर हम फोकस्ड हैं इब्राहीम इस्लाम की तरह फोकस्ड हैं यकसू हैं हनीफात है वो खलीलुल्लाह थे तो उनके अंदर एक विल पावर होती है उनके गोल होते हैं रमैदान में गोल्स रखे हैं ना बस यकसू हो जाए फोकस्ड उनकी ज़िंदगी में एक पर्पस होता है जो आपने आपनेोराबिया में पढ़ा पर्पस ऑफ लाइफ मकसद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनको फिर दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं क्योंकि वो आखिर आखरत ओरिएंटेड होते हैं ठीक है क्योंकि ये जो गैर अल्लाह की मोहब्बत है ये हमें कंट्रोल कर रही होती है हमारे इमोशंस को हमें स्परिचुअली भी स्परिचुअली क्या स्परिचुअली मेडिटेट कर देती है और फिजिकली भी साइकोलॉजिकली भी हमारी पूरी बॉडी को बदल देती है यह गुलामी की जिंदगी है जिससे हमें निकलना है ये आइडेंटिटी क्राइसिस है हम इबादत के लिए पैदा किया गया हमें अल्लाह की तरफ ले जाती है, यह है? यहां तक क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया ये जो गैरल्ला है एक मक्खी तो बना नहीं सकते मक्खी कुछ ले जाए तो उससे भी नहीं लेके ले सकते तो फिर फिर करना क्या है थोड़ा सा हम देखेंगे कि खैर अल्लाह की बात है तो नहीं हम कर रहे ठीक है तो एक केस स्टडी कर लेते हैं एक तो हम किसको राजी कर रहे हैं और किसको नाराज कर रहे हैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस कर लें किसी को हम राजी तो नहीं कर रहे अल्लाह को नाराज कर कर वो आपका माबूद बना हुआ है वो झूठा खुदा बना हुआ है किसी ने आपको साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी ठीक है आप ये नहीं कि आप ज्यादा समझे बाकी उसने ज्यादा कर दी आपका एटीट्यूड क्या होगा देखिए हम कुरान यहाँ पढ़ लेते हैं हमें इनको इन आयात को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना बहुत जरूरी है वरना हमारा तजकिया नहीं होगा वरना हमारी प्योरिफिकेशन नहीं होगी तजक्का वो फ़लाप आ गया जिसने अपना तजकिया कर लिया कामयाब कौन नहीं होना चाहता तो अपना तजकिया बहुत जरूरी है इन रिव्यूज का मकसद यही है हम अपना तस्किया करें हम अमली नुकात निकालें अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं ज्यादा की उसमें एटीट्यूड क्या होगा हमारा बताएं सबर करेंगे और सबर कैसे आएगा गुस्सा तो आएगा इसने इतनी बार ज्यादा की मेरे साथ सबर ठीक है सबर कैसे करेंगे ऐसे एकदम से बस सबर करना शुरू हो गया क्या एटीट्यूड होगा करेंगे हर्ट होंगे है ना हर्ट होंगे माफ़ कर देंगे वेरी गुड लेकिन किसी बेस पे किसी थिंकिंग पे माफ़ करेंगे ना रिएक्ट भी करेंगे मैं इससे बदला लूंगी गुस्सा आएगा उसकी ये बच चुगलियां भी करेंगे बिल, बिल्कुल इन्ना व इन्नाजू अल्लाह की तरफ पलटना है बस ठीक है अल्लाह की याद माफ किया मैंने इसको अल्लाह से मदद मांगनी अल्लाह की तरफ रुजू किया जी हकीकत भी तो बोला करे ना हर्ट होंगे एंग्री होंगे गुस्सा आएगा हम इंसान है इंसान खूबसूरत है उसके अंदर इमोशंस हैं वो इमोशंस ही इंसान को खूबसूरत बनाते हैं वो तो गुस्सा भी आएगा असल चीज क्या है इट शुड बी ट्रेंड एट द राइट टाइम राइट प्लेस राइट इंटेंसिटी अपने इमोशंस को हमने कंट्रोल में रखना है वो हम हर्ट भी होंगे एंग्री भी होंगे लेकिन ये बचोलियाँ नहीं करनी वहीं पे फुल स्टॉप हर्ट हुए आना शुरू हुए एकदम नेगेटिव होने लगा हार्ट आरोप मैंने शेरा चाहिए ठीक है डिप्रेशन में चले जाएंगे ये डिप्रेशन में कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं टेबलेट्स पे चले जाते हैं इतना हर्ट होते हैं इससे बचना है हमें इससे हमने बचना है कैसे बचना है थिंकिंग अपनी सोच को बदलना है यही हिकमत है आयात से आयात से हमने इन इन्हीं आयात से सबक लेकर अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करना है वॉट इज माई लोकस ऑफ कंट्रोल मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है क्या मुझे ये इंसान कंट्रोल कर है जिसका जिसका किरदार ऐसा है कि उसने आपको आपकी बेस्ती कर दी आपको हर्ट कर दिया या आपके साथ ज्यादा की क्या आप उससे कंट्रोल ना होना पसंद करेंगे आपके दिल में इतनी जगह उसके लिए कि आप उसको अपने दिल में जगह दे, दे देंगे दिल में जगह सिर्फ हमारे रब की है बाकियों की जगह बहुत कम है और उन लोगों की हैं जो कीमती हैं सब इंसान कीमती होते हैं सब रिश्ते कीमती होते हैं लेकिन कुछ तरजीहत होती हैं तो दिल को मेला नहीं होने देना थिंकिंग ला इलाहा इला ला। उसी वक्त सोचने कि जब अल्लाह के अलावा और कोई इलाह है ही नहीं तो फिर मैंने अपनी जिंदगी क्यों जाया करूं मैं अपने आप को क्यों ज़ाया करूँ बी फोकस्ड उसी वक्त कलमा आप यकीन करें कि मैंने जिस जिसको ये टेक्निक बताई है वो कहते हैं हमने इतनी आ, आ, इतनी ज्यादा हीलिंग आई हमारे अंदर और हमने अपनी एनजाइटीज डिप्रेशन को ओवरकम किया उसी वक्त आपने पढ़ना है ला इलाहा इला ला। और ये सोचना है अल्लाह के अलावा कोई और इला है ही नहीं तो मैं इस झूठे खुदा को क्यों जगा दू दिल में। तो इंसान के अंदर सुकून आने लगता है यही फला का रास्ता है इसको आजमा के देखें दिल में लेके आए किस किस की वजह से आपके दिल में कोई ग्रज है किसी ने हर्ट किया हुआ है किसी ने ज्यादी की हुई है और अल्लाह की खातिर माफ कर दें अपने आप को जया नहीं करना वो वन हुयर्स जो जैसा भी जिसका किरदार है हु हमने आगे बढ़ना है हम हमने अपने रब को तलाश करना है हमने वक्त नहीं करना वी हाँ राइज एरोगेंस नेगेटिविटी और यही वो तैयब कॉल है जो मैंने इस जोश से सीखा और यही अगर हम दिल से ईमान के साथ कहेंगे ला अल्लाह इला मोहम्मद और रसुल्ला तो हम राइज अब कर जाएंगे हमारे अंदर बेनियाजी आएगी अल्लाह की कदर करें हम अपनी रोने सेल्फ कटी में लगे रहते हैं अल्लाह की कदर करें वो कभी है वो अजीज है वो जबरदस्त है वो इज्जत देने वाला है आपके न्यू कनेक्शन बनने लगते हैं ब्रेन में आपकी सोच बदलती है पूरी थेरेपीज होती हैं इस तरह सोच ही बदल जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है ये कुरान हमें बदलने के लिए आया हमें हमारी ओरिजिनल सेल्फ पे ले जाने के लिए आया हमें हमारी हकीकत बताने के लिए आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम ऐसे कलमात ना बताऊं जिसको पढ़ने से गम और परेशानी दूर हो जाएगी वो क्या है अल्लाह अल्लाह रबी अल्ला मेरा रब है ला बिही शैया उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं बनाती कि मैं शिरक नहीं करती वो झूठे खुदा नहीं बनाती वो झूठे खुदा झूठे बुतों को तोड़ना है किसको राजी कर रही हूं किसको नाराज कर रही हूं बस ये देखें हर चीज फानी है तो फिर हम क्या दुनिया की छोटी छोटी टेंशनें हमने पाली हुई हैं मिट्टी से आए हैं मिट्टी पे ही जाना है तो हमारा है और तो है। आए हैं खाक में ही जाना है खाक की वजूद का यही सफर है और इस दौरान हमने अपने रब को पाना है रोशनी हासिल करनी है जो हमें फुलस रात पे भी मिलेगी मिले अल्लाह के पास से आए अल्लाह के पास जाने तनहा आए हैं तना ही जाना है तो अपनी तन्हाइयों का जायजा नहीं हम अकेले में क्या कर रहे हैं इट्स टाइम टू चेंज रमदान इज टाइम टू चेंज हमने किस को आर सेल्फ सेल्फ क्या है हमारा नफ्स अपना आप सबसे पहले अपने आप पे फोकस करें बाकी सब कुछ ठीक होने लगता है इर्द गिर्द अमली नुकात आपने क्या निकाले अमली नुकात क्या निकाले एक एक पॉइंट बता दें वो तो कोई फायदा नहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा सब निकल जाएगा घर जाएंगे सब कुछ निकल जाएगा अभी क्लास बंद होगी जी एक तो लाइ लाइ ला से अपने आप को इन चीजों से जिक्र था इसमें सबर करना है और सबसे पहले तो हमने इस किताब से जुड़ना है जल्दबाजी नहीं करनी शुक्र का पैगाम है ना सचदा अल्लाह मबारिक सचदा मुझे भी ऐसे लग रहा था सचदा सचदा जिक्र दुआ मेरी गले सबसे पहले तो इस किताब से हमने जुड़ना है आजमाई शाही की सब्र करना है वक्त जया नहीं करना और हाउ टू गेट रिड ऑफ बैगेज ऑफ टेंशन वरीज जो हमने पाली हुई है ना पहले उनको निकालें झूठे खुदाओं को खत्म करें तोड़ने हैं और वो बैगेज और वरीज क्या होते हैं लोगों के गम पाले होते हैं हमने लोगों से बेनियाज होना है ये नहीं कि अपने फ़राइज से बेनियाज न्याज होना है लोगों के रवैयों से एटीट्यूड से ये सारे बोझ उतार दे अपने आप को जया नहीं करें मूव ऑन और इस गल मे को याद रखें ये है वो तैयब कौल और यही वो शजरा तैयबा की बुनियाद है जो एक शजरा तैयबा स्ट्रॉग होता है जो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ हमने रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों इसने मुझे ये कर दिया इसने मे, मेरी बेजती कर दी उसने मेरा दिल दुखा दिया इसने मुझे दुखी कर दिया अहलुल कुरान ऐसे नहीं होता है बहुत ज्यादा अल्लाह की तस्वीर करनी है दुआ करनी है कसरत चलते फिरते ये अमली नुकात में लिखे मैंने चलते फिरते तस्वी करनी है बस जबान ना रुके हमारी वहां से शैतान भाग जाता है जहां जिक्र होगा बच्चों को भी आदत डाले तस्पी लिख लें कहीं चलते फिरते तो आपसे पूछा गया कि मुफरदून सबकत ले गए लोगों ने पूछा आपने फरमाया तो लोगों ने पूछा ए अल्लाह के रसूल ये कौन लोग हैं आपने फरमाया अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और औरतें ये हैं साबिकों सबकत ले जाने वाले फिर आपने फरिश्तों की फजीलत पढ़ी उनकी सिफात पढ़ी और उसमें जो मेन सिर्फ थी वो क्या थी ये तस्वीर करने वाले ये गुलामी की इंतहा है बंदगी की इंतहा है जो हमारी जिंदगी का मकसद है ग़ुला बंदगी तस्वीर करने वाले और तो आजमाइ में अल्लाह ते कर भी आजमाता है लेकर भी आजमाता है सबर शुक्र करने वाला मुमिन होता है और पसंदीदा अमल कौन सा है सचदा झगड़े के वक्त क्या करना है ये तो हमने ला हाँ, पड़े बता दें झगड़े के वक्त क्या करना है दो रवैये बताए थे ने या तो बहस करके झगड़े को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ अपने हस्बैंड्स अपने बच्चों से रिश्तेदारों से फसाद क्रिएट करो एतहाद भी खत्म सारा घर का माहौल खराब बहस नहीं करनी प्लीज बहस को खत्म कर दे अपनी जिंदगी से एक चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना बात को वही खत्म करने अच्छा अल्लाह जानते हर एक अपना ओपिनियन होता है अपनी सोच होती है अल्लाह ज्यादा जानता है जी चुप हो जाए अल्लाह अल्लाह ज्यादा जानता है है वो लतीफुल खबीर उस लतीफबीर से मांगे अल हमीद की तारीफ बया करें हमें अल्लाह की जरूरत है अल्लाह की कदर करनी है मुस्लिम बनना है और यही तोहिद का पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तला रूफ और रहीम है और क्यामत के दिन रहमान गालिब के असबाब वो होंगे असहाब वो होंगे जिनमें इज्जत सखावत बुरदबारी रहमदली दिली रिफत शुक्र नेकी सबर शुक्र जैसी सिफात पाई जाएंगी इमाम अबू सुलेमान अल्लाह का कौल है तो अल्लाह सुभान व तआला हम सबको अपनी मार्फत अता फरमाए जज़ाकुम अल्लाह खैरन कसीरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता